मेरा नाम बलराम किशान है और बड़वानी मध्य प्रदेश आया हूँ। यहाँ से 260 किलोमीटर है। इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं उसे समझता हूँ कि जहाँ भी किसान है वो मेरा ही घर गाँव है। लेकिन आप एमपी से जब आते हैं, 2006 से हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसका नाम है किसान पाठशाला। जस्ट लाइक उसका स्लोगन है, सीखना और सिखाना। और इस प्रोग्राम को हमने अभी तक ऑन पेपर पे रजिस्टर्ड नहीं किया है, क्योंकि जिस भी चीज को रजिस्टर्ड करते हैं तो एक अकाउंट नंबर खोलना पड़ता है, और जैसे ही खाता खुला मतलब अच्छा भी होगा और गड़बड़ी भी होगी, दोनों चीज होगी। ये मित्रता का सम्मान है। यानी ये लोगों ने ऐसा कह दिया कि अगर हम वहाँ आएंगे तो हमको गुलदस्ता चाहिए। पूरे भारत में मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ अभी कुछ 3 साल से, और उसके पहले हम जहाँ बुला रहे थे वहाँ पहुँच रहे थे। तो 2006 में एक छोटी शुरुआत करी हमने, क्योंकि 2003 में मैंने एग्रीकल्चर को करना चालू किया, खेती करना चालू किया। तो कुछ 2-3 साल मैंने जो खेती करी उसमें ऐसा हुआ कि मैं कैसे खेती कर रहा था, मेरा मेन प्रोग्राम मैंने ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो 96-97 में मैंने इंदौर में ITI किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में मैं काम करता था। ड्रिप लाइन के नक्शे बनाना, डंपिंग लेवल, मोटर वाइंडिंग, आपने शक्ति पंप का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन जिनका एड करता है, वो हमारे पास में इंदौर के पास राउ एक गांव है, वहां से फिर उन्होंने पीथमपुर में दिनेश पाटीदार जी उन्होंने शक्ति पंप का रचना करी। तो वहां पर मैंने 95-96 में कुछ समय बिताया। एक वहां पर पंप मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ है, आप यूट्यूब पर डालेंगे बी किसान शक्ति पंप। तो कम एफिशेंसी और ज़्यादा रिजल्ट कैसे आए, इस पर मेरा इलेक्ट्रॉनिक और मोटर वाइंडिंग और मैकेनिकल में बहुत बड़ा मैं काम कर रहा था। कुछ 2-3 बार करंट लगा और मुझे वो सब छोड़ करके खेती में आना पड़ा। 2003 से मैंने खेती चालू करी, 2004 से पूरा सारा काम बंद करके केवल खेती करना चालू किया। तो मैंने खुद ने खेती कैसे चालू करी थी कि पड़ोसी क्या कर रहा है और जिस कंपनी का बीज लिया है उसने क्या बताया है, और उस क्षेत्र में जो मैं फसल में काटन कर रहा था तो उस काटन में किसने ज्यादा अच्छा उत्पादन किया पिछले सेशन में, तो उनको सबको मैं इकट्ठा करता था। और आखिरी निचोड़ यह बनता था कि अगर मेरे को 4 DAP, 2 पोटास, 2 यूरिया डालना है, मार्केट का सीन आया है, तो मैं उसको क्या करता था, 6 DAP, 3 यूरिया, 3 पोटास करता था। शायद हम किसानों का यही एक सोच है कि अच्छा पकाना है, परिवार को सस्टेनेबल इनकम देना है, तो ज्यादा उत्पादन आय के साथ उसकी थीम शायद हम ये समझते हैं कि ज्यादा फर्टिगेशन मतलब ज्यादा उत्पादन, लगभग सही बात है ये। हम सब किसानों का एक निचोड़ ये निकलता है कि ज्यादा फर्टिगेशन मतलब ज्यादा उत्पादन, तो वो 1% ठीक है, 99% गलत है। ये मैंने फील किया एक 3-4 साल तक इसी तरीके से खेती किया। तो तलून में बड़वानी जिले में 1 एकड़ में से 35 क्विंटल काटन पकाने वाला मैं पहला आदमी हूँ, और एक खेत में काटन लगाया तो 9 साल तक काटन में काटन की खेती करने वाला मैं उस क्षेत्र का पहला आदमी हूँ। तो जब इस साइजेबल मैंने काटन को अच्छे से करना चालू किया, उस समय की बात अच्छे से थी लेकिन मैं बहुत गलत जा रहा था, तो मेरा ग्राफ बना ऐसा ऊपर रॉकेट के जैसा, और थोड़े समय के बाद बम से गिरा। जब आप फार्मिंग में फर्टिगेशन और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कंटिन्यू साइजेबल और ज्यादा ज्यादा मात्रा में करना चालू करते हैं, तो शुरुआत में ग्राफ बढ़ता है,
फिर बम से गिरना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, इस चीज को टच करूं, आपके क्षेत्र में राजपिपला में, मैं यहां पर 2011 और 12 में काफी बार सीखने आया हूं कि केले की खेती कैसे हो। 2010 में मैंने केले को पकड़ना चाहा और 2010, 11, 12, 13 ये यहाँ का राजपिपला का केले का साइज ऐसा ग्राफ बढ़ रहा था। सारी कंपनियां बोल रही थी कि राजपिपला जैसा केला होता नहीं, ये उस समय की हकीकत है। आज जो बड़े केले के व्यापारी हैं, केला खरीददार हैं, उनके मुंह से अगर आप हकीकत सुनोगे तो राजपिपला का केला खरीदना नहीं है, क्योंकि वो लंबी दूर ट्रेवल करता नहीं है, रास्ते में चलते चलते पक जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिगाटों का जाता नहीं है। केला जब कटिंग पर आता है तो पत्तों की संख्या कम रहती है। ये आज 2021 की कहीं कुछ कोने में ये ऐसी बातें हैं। शायद हम आप इसीलिए बैठे हैं कि अच्छे सिलेक्टेड व्यापारी यहाँ पर आए, हमारा केले का उत्पादन अच्छा है और खर्चे का ग्राफ कम हो, इसीलिए बैठे हैं हम लोग। या और भी कुछ नहीं, मैं सही लाइन तो यही है। तो मैंने जब 2006 में ये चालू किया तो मैं इस तरीके से चल रहा था, फिर बाद में केले में ग्राफ बिगड़ना चालू हुआ, डैमेज पन हुआ, तो हमने काफी सारे एग्रोनॉमिस्ट को इनवाइट किया। मेरे यहाँ काटक में क्या हो रहा था कि 9.5 एकड़ का मेरा खेत था, जिसमें 5वें साल से आधा एकड़ बैठ गया, 2 लाइनें पूरी खत्म हो गई, फिर वहां पर 1 एकड़ खराब हो गया, बैठ गया, डंपिंग हो रहा था, जैसे पूरा पौधा लकवा मार गया हो। एक ब्रांच गई, दूसरी ब्रांच गई, 24 घंटे के अंदर काटन को निकाल के वापस लगाया हो इस तरीके से दिखता था कि पूरा मुरझा गया। पौधे को निकालो, उसकी रूट साफ करो, उसको ऑपरेशन करो, छीड़फाड़ करो, कुछ दिखता नहीं कि क्या इसमें दिक्कत है। 950 इंडिया लेवल के ऐसे एग्रोनॉमिस्ट मेरे खेत पर आकर के गए 2004-05 में, जिनकी राय मायने रखती है, जिनकी राइटिंग मायने रखती है। कुछ ऐसे थे जिनको भारत सरकार अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रखे थे एडवाइजरी के लिए। मैंने लगाया था राशि BG2, BG1 में अच्छा उत्पादन लिया, फिर BG2 में डंपिंग आना चालू हुआ, तो राशि के कई सारे एग्रोनॉमिस्ट मेरे खेत में आकर के गए, लेकिन एक बंदा मुझे उस 950 तो सिलेक्टेड मेरे पास नाम नंबर लिखे हैं, ऐसा एक बंदा नहीं मिला जिसने बोला हो कि आपको ये 1, 2, 3 काम करना है और कल से आपका पौधा बैठेगा नहीं, डंपिंग आएगा नहीं। केवल कुछ प्रोडक्ट बताए गए, कुछ गाइडलाइन दी गई और आश्वासन दिया गया कि शायद ठीक हो जाए। और जो बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला कि भैया ये तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि आप काटन में काटन ले रहे हो, आप फसल चक्र नहीं कर रहे हो, इसको पलटी पलऊ करके धूप खिलाना पड़ेगी, 1 एकड़ में 1-1 क्विंटल सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा डाल करके इसको ट्रीट करना पड़ेगा, अगले साल आपको ये फसल लेना नहीं है, पलटी पलऊ करके छोड़ना है, तीसरे साल दूसरी फसल लेना है, काटन नहीं करना है। अभी मेरे साथ में उस समय जो परिस्थिति थी, 9 एकड़ खेत पूर्ण तरीके से असिंचित, मेरे पास दूसरी जमीन थी नहीं उस समय, और मेरे पास में मतलब मेरे रियल मामा जी गांव में है, तो 2000 फीट पर उनका खेत था और उन्होंने नर्मदा जी से 12000 फीट की 140 एमएम की पाइपलाइन ला रखी थी। तो नर्मदा जी पर जहां से पाइपलाइन लाए थे वहां पर मैंने 30 किलोवाट का जनरेटर रखा था। जब दिग्विजय की सरकार थी MP में तो लाइट 2 घंटे आना, 4 घंटे बंद रहना, 1.5 घंटे आना, फिर 4 घंटे बंद रहना, ये लाइट का शेड्यूल था। नर्मदा जी पर 30 किलोवाट का जनरेटर रखा, 6 से 8 घंटे जो लाइट चलती वो मामा जी के खेत में यूज होती, और जब लाइट पीरियड बंद होता तो मैं 2 घंटे जनरेटर चलाता, जिसमें 1 घंटे में वो 6 लीटर डीजल पीता था, तो 12 लीटर डीजल में मैं होद को भरता और खेती करता। ये मेरा प्रक्रिया थी खेती करने की, क्योंकि 25 मई को काटन लगाना है और बारिश आना है 20 जून के बाद, तो ये जो 1 महीने काटन को डीप 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 करके उसको रेडी करना, तो ये 1 महीने का जो पानी लगता था ये डीजल से। तो मेरे खेत की ये स्थिति थी कि वो एक प्रदर्शनी प्लाट था। पहली बार ड्रिप मैंने मेरे खेत में डाली उस क्षेत्र में, पहली बार जनरेटर से खेती चालू करी, और पहली बार मेरा उत्पादन इतना ज्यादा था कि पूरे क्षेत्र वाले देखने आते थे। ये सभी दूर से समावेश ऐसा था कि एक कॉलर भी खड़ी हो रही थी और एक प्रेस्टीज पॉइंट भी बन रहा था कि इसको आता कुछ नहीं, अब पौधा डंप हो रहा है। जब 2-3 साल तक उत्पादन लेते हैं
और फिर ऐसा समय आता है कि अब पौधा मर रहा है, तो आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, घर पे जाने की इच्छा नहीं थी, खेत में बैठे रहते थे, और रोज 20 25 15 लोग विजिट के लिए आते थे खेत पे कि ये लड़का कुछ नया कर रहा है, डीजल से खेती कर रहा है। 2004 में उस क्षेत्र में जब खेती नहीं समझ रहे, ड्रिप नहीं समझ रहे, उस समय में डीजल से खेती करता था। बलराम तालाब पहली बार बना मेरे खेत में, बड़वानी क्षेत्र में, तो एक प्रेस्टीज पॉइंट था। तो गांव में क्या हो रहा था, दो फीडर बने हुए थे, आपके गांव में भी शायद होगा, आधे कुछ लोग बोल रहे थे जो शुभचिंतक थे कि ये लड़का कुछ अलग कर रहा है, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए, कुछ अच्छा होगा हम एडॉप्ट करेंगे, और आधे लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये कब जमीन बेचेगा, इसकी जमीन खरीदना। ये हकीकत ये हर गांव में होता है। तो परिस्थिति ये थी कि समझ आने लगा। 950 लोग आकर के गए, कुछ पैसा खर्च किया, फिर हम रुके कि अब पैसा खर्च नहीं करना है, अब जो गारंटी हमारे तर्ज पर लेगा उसका पैसा खर्च करना है। तो मेरे साथ जो जुड़ रहे थे एकदम घनिष्ठ, गजेंद्र पाटीदार, वो इंदौर में प्रैक्टिस करते थे डॉक्टरी की, तो वो डॉक्टरी छोड़ कर आए थे, उन्होंने खेती चालू करी थी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक छोड़ करके खेती चालू करी थी। तो हम ऐसे जो दूसरे कामों में लगकर खेती कर रहे थे, तो हम तो क्लोज हो गए, हम तो समझ गए कि हमको आता कुछ नहीं, हम खेती कर रहे थे अंदाज पंचे दामोदर, क्योंकि ढाल रहे थे, हो रहा था, निकल रहा था, पक रहा था, लेकिन जब रियल में बीमारी आई तो उसका इलाज नहीं हमारे पास, इसका मतलब हमने जो किया वो अनुमानित किया, हो गया। तो ऐसे करते करते हम 15-16 मित्र इकट्ठे हुए कि अब इसका इलाज ढूंढना है, क्योंकि बलराम के खेत में काटन नहीं ठीक हो रहा है, मतलब हमारे दूसरे खेतों में जो खेती हो रही है वो अनुमानित हो रही है। तो फिर हमने सब छोड़ करके गूगल पे सर्चिंग चालू करी कि क्या होगा 2004 में। उस बीच में एक औरंगाबाद से हमारे मित्र हैं, उनके दोस्त की फैक्ट्री थी बायो फर्टिलाइजर की, पीजीआर और पीजीपीआर, और इनकी जब भूमिक एसिड और इनकी शुरुआत ही हो रही थी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ चुके थे, उन्होंने एक एग्रोनॉमिस्ट को भेजा कि बलराम के यहाँ का पॉइंट जो है वो प्रेस्टीज पॉइंट है, वहां पर काटन को टेक करना है। ऐसे ही शाम का वक्त था, हम खेत में बैठे थे, वो भाई आए, तो उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए, उनके मित्र से लाउड स्पीकर पर बात करी, सब कुछ बातें हुई, सब कुछ हुआ। जब हमारे यहाँ BSNL पहली शुरुआत हुई थी, हमने सब समझा, उसका सब सुना, और आखिर में पूछा कि गारंटी क्या है, तो उसने एक गलती कर दी कि गारंटी आप बताओ वो गारंटी। तो फिर हमने उसको शांति से बिठाया और उसने एक पैकेज बताया, ये बात एकदम मायने रखेगी, अगर मैं इस लाइन के बाद में मेरे प्रोडक्ट की या कुछ बातें बताऊं तो आपको भी ये लाइन पकड़ना है, या कोई भी आपके यहाँ मीटिंग लेने आए कृषि के लिए तो ये बात आपको पकड़ना है जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने जो औरंगाबाद वाले को बताई थी। औरंगाबाद वाले भाई ने हमको उस 9-9.5 एकड़ में 12,000 का पैकेज बताया, ये 12,000 का मैं मटेरियल देके जाऊंगा, इसकी आपको ड्रेंचिंग करना है, स्प्रे करना है, आपका अगला पौधा डंप होगा नहीं, बैठेगा नहीं, और आपका कॉटन व्यवस्थित रहेगा और अगले साल वापस काटन लगा सकते हो। तो उसको हमने ये बोला कि भैया आपके 12,000 की बजाय हम आपको देने वाले हैं 24,000, क्योंकि हमको तो इलाज चाहिए और परमानेंट इलाज चाहिए, क्योंकि यहाँ वापस अगले साल हम काटन लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। तो हमने डेटा पूछे कि कितने दिन में रिजल्ट और कैसा, तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट दिखेगा, अगले 7 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, नए जो पौधे थोड़े से लूज हुए उनमें नया फुटाव आएगा, और अगले 15 दिन में आपका पूरा पौधा बैठना बंद हो जाएगा और रिकवरी से आगे चलेगा, ये उसके स्टेटमेंट है। तो हमने ये बोला कि बड़वानी में हमारी तरफ से आपको होटल में रुकना है, खर्चा हम देंगे, रहना खाना हमारी तरफ से है, सुबह आप आओ, हमारे 4 लड़के रहेंगे, हम भी रहेंगे, आपके हाथों से ये ड्रेंचिंग कैसे करना, स्प्रे कैसे करना, हमें कोई त्रुटि नहीं चाहिए, आपके हाथों से हमारे खेतों में ये पहला काम आप करवाओ। और आपने बोला 3 दिन में रिजल्ट आएगा, तो 3 दिन आप बड़वानी रुको, 2 टॉकीज है, एक महेंद्र टॉकीज, एक लक्ष्मी टॉकीज, दिन में फिल्में देखो, खाओ पियो मौज करो, हम खर्चा उठाएंगे, और आपके 12,000 के पैकेज का हम 24,000 देंगे, और 3 दिन बाद आप रिजल्ट दिखा करके घर जाओगे, फिर 12,000 देंगे। तो कितना हुआ, 12×24 = 36, 12,000 की दवाई के हम आपको घर जाते तक 36,000 देंगे, और 15 दिन में आपने रिकवरी बताई है कि प्लांट ठीक से चलेगा, तो 15 दिन बाद आपके अकाउंट में 12,000 डालेंगे।
क्योंकि हम तो त्रस्त हो चुके थे, हमें तो इलाज चाहिए। अभी इतना बड़ा ऑफर उसको अच्छा नहीं लगना था क्या? एकदम सुपर ऑफर है उसके लिए। लेकिन जब आखिरी की लाइन हमने बोली कि भैया ये सब तो हम कर रहे हैं, अगर पौधा फिर डंप हुआ तो क्या? नहीं, हम आपका रख रखाव कर रहे हैं, 12,000 के 48,000 दे रहे हैं, और आगे से आप बोलोगे केवल वॉच करेंगे हम काटन में, क्योंकि आप इसको रिपेयर करके जा रहे हो। लेकिन अभी 15 दिन बाद वापस कोई सा पौधा डंप हो गया तो क्या करेंगे? तो इस तो का जवाब मेरे को मिला नहीं, हिंदुस्तान के किसी एग्रोनॉमिस्ट से आज तक नहीं मिला, और वो आदमी ने दवाई नहीं दी और हमने ली नहीं। ये हकीकत है हमारे खेती किसानी की। उस दिन हमको 16 मित्रों को ये समझ में आया कि हमारी खेती किसानी तुक्के में चल रही है, अनुमानित चल रही है। समय पे बो दिया, लग गया, क्लाइमेट ने सपोर्ट किया, आ गया, हमने टाइम पर बेच दिया, हो गया। क्योंकि अगर मैं यहाँ की भी बात करूं, कौन सा गांव है ये? यहाँ पर अगर पिछले साल रमेश काका का 30 किलो का लूम आया, तो इस साल सुरेश भाई का 30 किलो का आएगा, रमेश काका का नहीं आएगा। और उसके पिछले साल उमेश काका का आया होगा। जब एक आदमी अगर सीख गया है केला पकाना, तो हर साल 30 के बाद 31 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। काका की तो अभी सफेदी आ गई, मतलब खेती तो कर ही रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम जब यहाँ खेती इतने समय से कर रहे हैं, तो हमारा अगर इस साल 30 किलो पका, तो अगले साल 31 पकना चाहिए, 28 नहीं होना चाहिए। तो हम हमारे मापदंड पर खेती कर रहे हैं, वरना इस साल 30 पका, अगले साल 22 पका, और आधा खेत सीएमबी में चले गया। तो तुक्के में खेती हो रही, फिर हमने नब्ज नहीं पकड़ी है। हमारे को मिट्टी का सपोर्ट है, क्लाइमेट का सपोर्ट है, और समय पर लग गया और समय पे आ गया, और ऊपर वाले को कुछ पैसे देना है उसका सपोर्ट है। तो हमने 2005 में 6 में ये समझा कि अभी हम किसानों को हमें ही समझना है। तो उस समय हमने किसान पाठशाला की रचना करी, एक नाम रखा किसान पाठशाला, जिसमें केवल उद्देश्य है सीखना और सिखाना। फिर हमने गूगल पर सर्च किया तो एक संस्था मिली, स्मार्ट फर्टिगेशन, जो इसराइल की संस्था है, उसको हमने मेल किए, कुछ डेटा भेजे, हमारे हमारे प्लॉट की डिटेल्स भेजी, तो उन्होंने छोटी छोटी ट्रिक बताई और वो ट्रिक से मेरा काम हो गया। सबसे पहले ट्रिक बताई उन्होंने कि आपको ये कॉटन को बोर्डो मिश्रण की ड्रेंचिंग करना है, चूना और नीला धोखा इकट्ठा करके कॉटन के सीधे जड़ में ड्रेंचिंग करना है, 200 ml, 100 ml जो साइज पौधे का उस हिसाब से, तो तुरंत रुकेगा। नीला धोखा कॉपर सल्फेट, 200 लीटर पानी, 1 किलो चूना, 1 किलो नीला धोता एक साथ घोलना है, वो जो घुलता है उसको बोलते हैं बोर्डो मिश्रण। अगर इस फफूंदी नाशक से आपका काटन नहीं बचा तो भूल जाओ, फिर किसी से नहीं बचेगा। और उसका पैसा कितना था? 75 रुपए किलो नीला धोता है, और चूना तो गांव में फ्री में मिल जाता है, 5-10 रुपए किलो। इतना सिंपल बोर्डो मिश्रण का ड्रेंचिंग किया, बोरचूत। हाँ वही। दूसरा उन्होंने ये बताया कि आप फर्टिगेशन कर रहे हो, लेकिन बैक्टीरिया और बायोमास कार्बन नहीं कर रहे हो। ये दो चीज फिर बतलाई उन्होंने कि आपके खेत में बैक्टीरिया और बायोमास कार्बन भी चाहिए। जिस अनुपात में फर्टिलाइजर डाल रहे हो, उस अनुपात में कार्बन और बैक्टीरिया चाहिए, वरना सीएन रेशो बिगड़ता है, और थोड़ा भी एरर आता है वो बड़ा बनता है, और विल्टिंग डंपिंग निमेटोड आपके खेत में आकर के ही रहेगी, फिर खेत से बाहर नहीं जाएगी। हमने फर्टिलाइजर का साइज बढ़ाया, डीएपी यूरिया पोटास का, लेकिन हमने बैक्टीरिया का और कार्बन का साइज नहीं बढ़ाया। हम अगर 2 गोनी डालते हैं डीएपी पोटास साल भर में 1 एकड़ में, तो कम से कम 1 ट्राली हमें गोबर डालना चाहिए, या पका हुआ कंपोस्ट कम से कम 1 टन तो भी डालना चाहिए। ये रेशो उन्होंने कुछ समझाया कि आप खाद कितना डाल रहे हो, उतना आपको बायोमास कार्बन और ये मिक्स डालना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात बोली कि आप काटन ले रहे हो, तो काटन में हमने जो रेशो भेजा उसमें सल्फर था ही नहीं, हम सल्फर उपयोग ही नहीं करते थे। सल्फर केवल उपयोग करते थे दिसंबर जनवरी के स्प्रे में ठंड के लिए, वो भी 200 लीटर में 1 किलो WDG डाल करके स्प्रे करते थे। नीचे फर्टिलिटी में सल्फर उपयोग ही नहीं किया,
उन्होंने बताया कि काटन जब बीज तेल निकलता है उससे तेल वाली हर फसल को सल्फर चाहिए, आप सल्फर उपयोग नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी सी ट्रिक बताई, ये हमने फॉलो किया और काटन बैठना बंद हुआ। और वो चौथा साल था मेरा काटन का, उसके बाद 5 साल तक फिर मैंने काटन लिया, कोई प्लांट बैठा नहीं। तो हमें ये समझ में आया कि भारत के किसान को सीखना और सिखाना बहुत ही जरूरी है। सरल भाषा में मैं समझाऊं कि मेरे कुछ कुछ कार्य है, एक मैंने बताया कि हमने किसान पाठशाला चालू कैसे करी, वहां से हम 16 मित्रों ने चालू करी और हिंदुस्तान के जितने अच्छे एग्रोनॉमिस्ट हैं हम उनको इनवाइट करते थे और आप जैसे मुझे सुन रहे हो ऐसा हमने उनको सुनना चालू किया। मिर्ची में विमल चावड़ा या फलाना या ढिमका, काटन में विकास नरवाड़े, राजवीर सिंह हुड्डा, सागर पोपड़ेकर जी, ऐसे अनेक जो अच्छे एग्रोनॉमिस्ट है जिनकी राय मायने रखती है, उनको पैसा देना, हमने बड़वानी में बुलाना और सीखना, भैया हमें सिखाओ। तो ये 2010 तक हमने किया, 2006 से 2010 तक किया। 2009 और 10 में तो ये कंडीशन थी कि हमें दो महीने में टॉकीज बुक करना पड़ती थी, सबको वो क्षेत्र में पता चला कि किसान पाठशाला में कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जैसे महेंद्र टाकी जी, लक्ष्मी टाकी जी, उनको 60-70 हजार रुपए दो, दिन भर के लिए टॉकीज बुक करो, और किसान आते थे 700-800 किसान, क्योंकि टॉकीज ही एक ऐसा स्टेशन है कि पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा, वहां पर सीखने की सही जगह, स्क्रीन पे जो दिखाने वाला आएगा वो दिखा भी पाएगा, आइट साइड पूरी दीवारें रहेगी, कोई बाहर का शोरगुल या हॉर्न वगैरह कुछ सुनाई नहीं देगी। तो इस तरह से मीटिंगें चालू हुई। अब इसमें एक दुष्परिणाम क्या हुआ कि हमने जिनको सिखाने को बुलाना चालू किया उन्होंने अपनी डपलियां बजाना चालू कर दी। उनको लगने लगा कि किसान पाठशाला के पास किसान है, मतलब हम हमारे प्रोडक्ट डंप करना चालू करें। तो वो एक दुष्परिणाम हुआ। फिर हमने सभी कंपनियों को साइड में किया और फाइनल लाइन खींची कि हमारे मंच पर कभी भी कोई प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी रेकमेंड नहीं करेंगे, केवल सीखने सिखाने की बातें करेंगे। 2010 में फिर मैं खुद मंच पे आया, इतना कुछ सीख गया था, मैं खुद क्लासेस लेने लगा। और अभी हमारे साथ कुछ इंडिया लेवल के बड़े साइजेबल व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान पाठशाला के साथ ज्वाइंट एमओयू किया है सीखने के लिए। रिलायंस फाउंडेशन हमारे साथ में एमओयू में साइन है, वो जहाँ जहाँ भी रूरल एरिया में डेवलपमेंट करते हैं वो हमारी गाइडलाइन देते हैं। भारत पेट्रोलियम, वो हमारे साथ एमओयू में साइन अप है। रेवा फ्लोरा कल्चर हमारे साथ एमओयू में साइन अप है। ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज कंपनियाज है जो हमारे साथ साइन अप है कि आप हमारे किसानों को सिखाओ, क्योंकि हम प्रोडक्ट बोलते नहीं जो सही बात है उसमें बात करते हैं। दूसरा, जब ये किसान पाठशाला डेवलप होना चालू हुआ 2010 में, तो हमारे क्षेत्र में एक दिक्कत हुई। बड़वानी का मैं रहने वाला हूँ, तो बड़वानी में केला कुछ कुछ एरिया में काफी समय से हो रहा है, 50-60 साल से हो रहा है, और वहां का पपीता बहुत फेमस है, बड़वानी लाल के नाम से पपीता बिकता है वहां का। आजकल तो है नहीं, अभी 786 ने उसकी जगह ले ली है, वो लोकल पपीता था। तो जब हमने समझा कि हम प्रोडक्शन अच्छा करने लगे हैं, सीख गए हैं, हम वेजिटेबल अच्छा कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केट कहां से लाएं, बेचे कहां पर, हमने जब उत्तर भारत की मंडियां तलाश करी तो वहां पर पता चला कि जो हमारे बड़वानी से गाड़ी बंद करके जा रही है उत्तर भारत में, उसमें भुसावल की पर्ची जा रही है, भुसावल महाराष्ट्र की। वहां पर बीजक कोई देखे तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये बड़वानी से केले की ट्रक आई है, ये बड़वानी से टमाटर का ट्रक आया है, किसी को पता चलना नहीं चाहिए। मिर्ची दिखती थी नंदुरबार की, क्योंकि नंदुरबार मंडी फेमस थी, केला मिलता था भुसावल का, जलगांव का, ये जलगांव से केला आया है। तो हमने फिर 2010 के बाद 2010 से बी किसान के नाम से ट्रेडिंग चालू किया, जो उसी के जो किसान पाठशाला के किसान थे वो निकल के आए, उन्होंने ट्रेडिंग चालू किया। बी किसान का मतलब है बनो किसान, आपको खेती किसानी छोड़ना नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है किसान पाठशाला पर हल होंगे, और आपको पौधा गाइडलाइन और मार्केट एक ही जगह अवेलेबल होगा, इसको हम इकट्ठा एक यूनिट में लेकर के आए। तो बी किसान ट्रेडिंग करना चालू किया और किसान पाठशाला गाइडलाइन देना चालू हुआ, इस तरीके से हमारा एक फर्दल बना बी किसान। उसके बाद में 2013 में हमने फिर डिसीजन लिया कि अब केले में साइजेबल जाना है, तो 2014 में हमने रेवा फ्लोरा कल्चर टिश्यू कल्चर लैब बनाया, जिसमें केले के पौधे और बांस के पौधे हम बनाते हैं और ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं, बेंबू बांस और केले के पौधे बनाते हैं। तो इसी किसानों के ग्रुप से 6 किसान निकल के आए जिन्होंने रेवा फ्लोरा डाला 2014 में।
अभी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं कुछ साइजेबल एरिया में, कुछ सिलेक्टेड जगह में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बी किसान प्राइवेट लिमिटेड निकल के आया। पहले हमने बनाया था बी किसान प्रोप्राइटर, वो ट्रेडिंग पे काम कर रहा था। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा रहे हैं केले में और बेम्बू में, तो बी किसान प्राइवेट लिमिटेड निकल के आया, वो हमने लॉन्च किया। उसके बाद में लेटेस्ट में करंट में 2021 में हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है, एपीसी। एपीसी जानते हैं आप लोग, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी नहीं जानते? अरे मोदी जी के 3 अध्यादेश इसी के तो लिए बने हैं, और जो वहां पर किसान आंदोलन हो रहा है इसी के लिए तो हो रहा है, आप न्यूज नहीं देख रहे? फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। आगे गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है कि किसानों के पास से जो भी सामान बिकना है वो एपीसी से होकर के जाएगा। किसानों की खुद की कंपनी बनना चाहिए जो उनके खेत से खुद ही माल खरीदे, उसका वैल्यू एडिशन करे और मार्केट में बेचे। ये सिद्धांत है एपीसी का। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन मतलब गांव वाइज संगठन, और इसके ऊपर आता है फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। किसानों ने ही खुद के ही एकत्रित होकर के एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया, इसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। और उस कंपनी का दो ही काम मेन है, एक है एग्री इनपुट, दूसरा है एग्री आउटपुट। कि किसान को खेत में जो भी सामान लगता हो वो खुद उस कंपनी में सदस्य रहे और डायरेक्ट कंपनी से एपीसी के थ्रू खुद ले तो उसको सस्ता गिरेगा, और जो वो माल पका रहा है उसको फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के जरिए पैन इंडिया पैन मार्केट में सप्लाई करे या एक्सपोर्ट करे, उसका वैल्यू एडिशन करके खुद ही, एग्री इनपुट और एग्री आउटपुट। तो 2021 में हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी रजिस्टर्ड किया है, इंडिया का सबसे बड़ा, जिसमें 3000 से ज्यादा किसान जुड़ रहे हैं, जो एक साइजेबल है, और जिसमें अभी हम दो फसलों को टच किए हैं, एक केले को और एक बैंबू को। तो केले में पौधा, गाइडलाइन और मार्केट, तीनों एक ही स्टेशन पर मिलता है, और आप लोग भी चाहें तो बी किसान एपीसी में जुड़ सकते हैं। ये छोटा सा मैंने मेरा प्रोफाइल बतलाया था कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी थोड़े कुछ मेरे क्वेश्चन रहेंगे तो उसको समझकर मैं आपके साथ यहाँ पर कैसे जुड़ के आगे बढ़ सकता हूँ उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी केले के फार्मर हैं, केले पे ही बात करनी है। तो केले में पपीता, केला और पपीता, केले में आप लोगों की मेन आवश्यकता क्या है यहाँ पर? जैसे मैंने मेरे काम बताया, इससे मैं क्या फुलफिल कर सकूं, तो मैं उस लाइन में आगे बढ़ूंगा, पौधे में, गाइडलाइन में, या मार्केट में, या साल भर के उसको केले को चलने में कुछ गड़बड़ी हो, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, तो उस पर मैं चर्चा करता हूँ। केला तो पौधा में था, प्लांट में, टिश्यू में। अच्छा, कंपनी कोई कोई जो अपने कॉन्ट्रैक्ट करिए कि भाई तुम्हारे जो बुक कराए 3 रुपया आपी ने, बराबर, कंपनी टाइम है आपे ने, मैं आपे दे टाइम है पौधों की, वो नानो जो मोटो छोटा बड़ा पौधा रोपा लायक हो है ना, कोई भी कंपनी वो करार नहीं करता केला होता था 3-4 साल तक चलता था, एक को लगाकर दाम लेते थे, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई, एक फसल ले लिया पहले शुरुआत की, बाद में लाभ चलती नहीं है, बराबर है, लाम वाली फसल मतलब बिल्कुल फेल होने जा रही है अभी। ठीक है, टाइम भी बढ़ गया उसमें, जो क्रॉप का जो टाइम पीरियड है पकने का वो ज्यादा हो गया, इसकी वजह से पूरा प्रोडक्शन आना चाहिए वो आता नहीं है, टाइमली नहीं आ रहा है, बढ़ गया, सेकंड थर्ड नहीं ले पा रहे हैं, क्वालिटी जो मिलती थी वो नहीं मिलती अब, जो पहले 60-70-80% कट रहा था, अभी मानो 40-50% कट रहा है, बाकी का तो 50% ही कट रहा है, तो फिर हम F1 लेने जाते नहीं है और एक ही बार लेकर के फिर खर्चा करते हैं, क्वालिटी नहीं मिलती इसलिए रेट नहीं मिलता है, जो पहले 5-6 का तो है ज्यादा आपके यहाँ, फर्स्ट वाले का 200 रुपया चलता है, तो क्या प्रॉब्लम हो गई, 140 में लेते हैं, 120 में लेते हैं,
ओके कि तुम्हारे लाम का केला है क्वालिटी में नहीं आगे जा, आपने बताया ऐसे कि आगे टिकता नहीं है, पहुंचता नहीं है, खराब हो जाता है, अलग पड़ जाता है, डालते है की गाड़ी में बराबर, फिर भी ये परेशानी बताते है। एक पौधा अच्छा नहीं है, दूसरा लाम अच्छा आता नहीं है, तीसरा सिगरेटों का है, तो मजबूरन हमारे को एक ही में ही निकालना पड़ता है। वो मजबूरी है कि हम सस्टेनेबल नहीं हो पा रहे हैं, वरना निकालने का जितना खर्चा होता है एक एकड़ 20,000 लगता है खेत को साफ करने में। अब तो टैंकर का भी रेट बढ़ गया, डीजल महंगा हो गया, 25 तक जाएगा, तो वो 20-25 हजार में आप लाम ले सकते हैं, ये हकीकत है, लेकिन वो हो नहीं रहा इसलिए हमको निकालना पड़ रहा है। और किसी का कोई प्रश्न है? और जो मूल खाद वाले जो रहते हैं नीमिटो वाले, वो भी बहुत ज्यादा आते हैं, जब बारिश में थोड़ा सा ही होना जाता है सब प्लांट गिर जाते हैं ऐसे नीचे से ही। हाँ सब बहुत होता है। ओके वाइट ग्रब ज्यादा है। और है किसी की चर्चा? एवरेज कितना वर्ष यूज करिए आप, कितना क्रॉप यूज करिए आप, 30 किलो लगाइए, 30 किलो लगाई है લંડન બીજો પીલો લેવો તો મને ખબર પડે છે નહીં બતાવ્યા। 200 રેટ ચાલતા 140 માં માંગે અપના લાભ ઉઠાતા લાઇટ ચાલુ કરો। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये गोपालपुरा में ये फायदा है। नहीं, सब કંપની ત્યાં ખબર નથી ચિલિંગ નહીં હૈ કલર આ જતા હૈ લેકિન મેક્સિમમ જગ્યા એસા હોતા હૈ મેં યે ઇસલિયે બતલા પા રહા હું કે મેરે પાર્ટનર કે કુછ રાઇટિંગ ચેમ્બર હૈ ચંડીગઢ મેં એક ગોહાણા મેં હૈ એક સફેદો મેં હૈ એક रोहतक में है ऐसे 3-4 चेंबर है वेद प्रकाश जाट मेरे जो पार्टनर हैं दूसरे बिजनेस में उनके राइटनिंग चेंबर है तो जब यहाँ से केला कट के जाता है तो आपके यहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़ जो उत्तर भारत जाता है उसको तीसरे दिन की मंडी लगती है तीसरे दिन पहुँचता है आज यहाँ से 1 तारीख को कटा तो 2 तारीख को चलेगा 3 तारीख को पहुँचेगा और 3 तारीख को अगर वहाँ चेंबर में जगह होगी तो सुबह सुबह माल अंदर होगा वरना वो बोलेगा भैया अभी आपकी गाड़ी छाँव में खड़ी रखो ये आज का चेंबर का माल खाली होगा तो शाम को इसको लोड करेंगे तो ये 4 दिन की साइकिल एक हो गई आपका माल खेत से कट करके राइटनिंग चेंबर के अंदर जाने तक का उसके बाद 4 दिन चेंबर के अंदर रहेंगे उसको पकने का समय लगेगा इथिलीन गैस डाल करके उसको बंद करके 13 डिग्री टेम्परेचर पे उसको केले को पकाएंगे तो 4 दिन फिर लगेंगे तो ये हो गए आपके 8 दिन 8 दिन के बाद चेंबर का गेट खोलेंगे तो वो पीला कलर या हल्दी पीला कलर नहीं दिखेगा वो दिखेगा हरा कलर जब वो नेचुरल बाहर के वायुमंडल में एक दिन रहेगा तो पीला कलर आना चालू होगा और एक 12 से 18 घंटे बाद 24 घंटे के बाद हल्दी पीला कलर दिखना चालू होगा तो जैसे ही चेंबर खोलेंगे हरा पीला फिर हल्दी पीला और हल्दी पीला आएगा नहीं जब तक थैले से माल बिकेगा नहीं ये प्रोसेस है मतलब आपके खेत से माल कटा और थैले पे सही टाइम पर बिका इसमें लगभग 10 दिन लगते हैं ये साइकिल है 10 दिन की अब इस 10 दिन के बीच में जब वो ठेले वाले के पास माल है तो ठेले वाले के पास माल बिकेगा कैसे अगर हमें भी खरीदने जाना है तो हम आंख से ही पहले देखेंगे ना कि क्वालिटी कलर साइनिंग हल्दी पीला कलर दाग धब्बा नहीं है और जो ये पंजे में पीछे ठुड्डी बनी हुई है यहां से गिर पड़ तो नहीं हो रहा है ये झड़न तो नहीं हो रहा है इसको बोलते लंबी चाल का केला है या नहीं है दिल्ली चंडीगढ़ की भाषा में
एक तो कलर पकड़ रहा है कि नहीं, मतलब हल्दी पीला कलर होगा तो ठीक है, वरना बोले कि कलर नहीं पकड़ रहा है। दूसरा, लंबी चाल का केला है कि नहीं, मतलब कि वो ठेले पे जल्दी झड़ रहा है। जिस केले ने ज्यादा पानी पिया है वो केला ज्यादा जल्दी झड़ेगा, यहाँ से टूट जाएगा, फिंगर काले पड़ जाएंगे। जब गर्मी रहती है तो केले के ऊपर गीला कपड़ा रखते हैं, तो गीला कपड़ा रखते हैं तो जहां जहां नाखून लगे हैं या ट्रक लोड होकर के जो घर्षण करके गया है वहां पर जो काला गिरा है, तो गीला कपड़ा रखने पर उस काले जो डॉट बना है उसके ऊपर सफेद सफेद रोए आ जाएंगे। ये फंगस दिखना मतलब उस केले को कोई खरीदेगा नहीं। अब वो ठेले वाले के पास अगर तो हल्दी पीला कलर है और केला पहले ही दिन या दूसरे दिन पूरा ठेला बिक गया, तो वो चेंबर पे जाके क्या बात करेगा? पहले बाहर इंक्वायरी करेगा कि ये 3 तारीख की गाड़ी आई थी वो कहां से आई। बाहर जो लड़के रहते उनसे इंक्वायरी करेगा, फिर सेठ के पास जाएगा, भैया ये जो राजपिपला से गाड़ी आई थी वो गाड़ी वापस आए तो मुझे फिर फोन करके बुलाना, मुझे ये केला चाहिए। कब? जब उसका हल्दी पीला कलर और जल्दी बिक गया और उसके ठेले पे 10% से ज्यादा केले की टूट ना आई। 10% तक सहन करते हैं वो, एक एक केला टूट जाता है, उससे ज्यादा सहन नहीं करते। इससे ज्यादा आई तो वो क्या बोलेगा जाकर, भैया ये जो राजपिपला की गाड़ी आई, अगर उस क्षेत्र से गाड़ी आई वापस और वो माल आपने मुझे दिया तो मेरा पैसा बना नहीं ये ठेले में, आप बाहर आके देख लो 25% माल टूटा पड़ा है, आपका पैसा मिलने वाला नहीं। ऐसा ही बिजनेस होता है दिल्ली चंडीगढ़ में। अभी वो चंडीगढ़ वाला क्या करेगा, आपके यहाँ पर जो व्यापारी है भरत सत्यजीत को बोलेगा, भरत भाई ये कौन से खेत की गाड़ी थी, कौन से गांव की गाड़ी थी, पहले इंक्वायरी लेगा। उसने बोल दिया ये थरी गांव की गाड़ी थी, तो बोलेगा थरी गांव का माल मेरे को चाहिए नहीं, यहाँ माल बिक नहीं रहा है, ठेले वालों से पैसा आ नहीं रहा है, पैसा टूट रहा है, अभी ऐसा माल आया तो तेरा पैसा टूटेगा। ये होता है रटून में। तो वो व्यापारी क्या करते हैं, वो रटून का माल आपका जयपुर और इसके आसपास की मंडियों में बिकेगा, फर्स्ट का माल आपका जाएगा दिल्ली आजादपुर मंडी, चंडीगढ़ मंडी या जम्मू कश्मीर, लंबी दूर चलने वाला, और जो शॉर्ट दूर चलेगा वो जयपुर में या इसके आसपास रुक जाएगा। तो इनको ग्रेडिंग करना पड़ती कि बेचना कहां पर है। तो बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हमारी रटून अच्छी रहती है, जिनका बायोमास कार्बन है उनका फर्स्ट जैसा कलर आएगा। और रटून में कलर नहीं आने का मैं कारण बताता हूं कि पहले में हमने जमीन को खेड़खार करके ढीली रखी, उसकी रूट का डेवलपमेंट हुआ, हमने पहले में गोबर खाद भी डाला, अच्छे से ध्यान भी दिया, और रटून में जब 4 महीने के बाद ड्रिप फिसल के नीचे आई, बेड बना के करते हैं कि बराबर में करते हैं, बराबर में, कहीं पर बेड है कहीं पर बराबर है, तो जब 4 महीने के बाद तने का विकास ज्यादा होने लगा और हमें पील काटना है, पील काटते ना, पील काटना है, उस समय हमने ड्रिप को किया दूर, तो कोई किसान ड्रिप को पास में करना भूल जाता है, और कोई किसान डबल जब कटिंग आती है और एक दो बार वो दराती वाले ने ड्रिप को काट दी तो किसान बोलता है इसको बीच में कर दी। तो 4 महीने तक हमने फर्टिगेशन और मैनेजमेंट किया पौधे के पास, उसकी जड़ों का विकास किया, यहाँ पर 4 से 5 महीने के बाद जब निंगल होना है, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिशन की और भरण पोषण की, उस समय हमारी ड्रिप आ जाती है बीच में, और उसी समय हमारे खेत में आवाजाही चालू होती है मजदूरों की, पील काटना, पत्ते साफ करना, कुछ दवाई डालना, सिगाटों का आ गया तो, निंगल आया तो उसका कमल तोड़ना, पंजे साफ करना, निंगल पे स्प्रे करना, तो ये जितने काम है इन कामों में खेत में चलफिर होती है, और ड्रिप है आपके बीच में, या आपने नमी इतनी कर रखी है कि पूरा खेत गीला है, नमी है, तो उस नमी में जब 50 किलो का पेड़ रखा जाता है तो वो मिट्टी दबती है, कॉम्पैक्ट होती है, जो फर्स्ट लगाया था जब कॉम्पैक्ट नहीं थी, 4 से 5 महीने के बाद नमी वाली मिट्टी कॉम्पैक्ट होना चालू करती है, तो उसमें पहला ही रूट आगे बढ़ना रुकता है, और फिर जब माल कटता है तो 20-20 आदमी उसी नालियों में से निकलते हैं, 50-50 किलो का वजन लगता है, तो वो जमीन टाइट हो जाती है, और जब पूरा कटा खत्म हुआ और रटून को हम मैनेजमेंट चालू करते हैं तो वो रटून ही माल कटते तक इतना बड़ा हो जाता है सेल्फ कि हमें लगता है अभी अपने आप आ जाएगा। तो ये पूरे खेत का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हो जाता है टाइट। अब उसको ढीला करने की क्या व्यवस्था है आपके पास,
ताकि रटून की जड़ अच्छे से चले, ऐसी कुछ व्यवस्था है? नहीं, तो वो व्यवस्था नहीं है। और ना हमें किसी ने गाइडलाइन दी है कि आपको रटून कैसे लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर पौधे बेचने की बात करूं कि रेवा का पौधा मुझे आपको बेचना है, तो मैं क्या बात करूंगा, 5x5 पे लगाओ, 1750 पौधे लगाओ, एक ही बार कटिंग लो, लाम अच्छा आएगा नहीं और लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि व्यापारी खरीदता नहीं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पौधे में कैसे बेचूं और हर साल पौधे कैसे बेचूं। ये सभी पौधे बेचने वालों का ट्रेडिशनल प्रोग्राम है, ऐसे ही पौधे बेचते हैं हर टिश्यू कल्चर कंपनी, ज्यादा से ज्यादा पौधे कैसे बेचना और अगले साल वापस इस गांव में पौधे कैसे बेचना, इतनी गाइडलाइन है। तो रटून की गाइडलाइन आप ये मान लो कि कोई टिश्यू कल्चर कंपनी बलराम के अलावा आपको दे दे तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि पौधे बेचने में डर लगता है कि पौधे अगले साल इस गांव में कैसे बेचूंगा। जब आपको मैंने रटून लेना सिखा दिया, आप पौधा खरीदोगे रिपीट? जरूरत ही नहीं। और मेरे साथ में 11वीं कटिंग का प्लाट है, 7वीं कटिंग का प्लाट है, 9वीं कटिंग का प्लाट है और मेरे खुद के खेत में 5वीं कटिंग का प्लॉट है। अभी जो मैं लिटरेचर आपको देने वाला हूं, इसमें राजेंद्र पाटीदार जी है, मैं लिटरेचर में छाप के दे रहा हूं रटून, आपने पढ़ा होगा सर, ये नीचे का जो फोटो है रटून लिख के दिया है कि 4थी कटिंग का रटून है। मतलब आप मेरे से गाइडलाइन लोगे, पौधा लो तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे दो पैसे भी दोगे, लेकिन मेरे से गाइडलाइन लोगे तो कम से कम पंचवर्षीय योजना में 7 कटिंग हम लेंगे। ये केले की खासियत है, वो चलता ही है सर, लेकिन हमें ये जमीन को सॉफ्ट कैसे रखना है वो नॉलेज नहीं है और न किसी ने दिया है। तो इसलिए आपका जो कहना है कि रटून ले नहीं पा रहे हैं और व्यापारी 2 रुपए किलो कम में लेता है, तो ये रूट ही नहीं जाएगी, न्यूट्रिशन ही अपटेक नहीं होगा, तो वो केला वहां पर पकेगा नहीं और वहां पर पकेगा नहीं तो व्यापारी आपसे कम मिलेगा। ये एक साइकिल है, इस साइकिल के मापदंड पर ही हमें रन होना पड़ेगा। तो मेरा जहां तक मानना है, किसान ने खेती कैसे करना चाहिए, किसान ने खेती करना चाहिए जो ठेले वाले को माल चाहिए दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर में, उसको माल की क्वालिटी कैसे चाहिए वो हमारे खेत में बनाना चाहिए। तो उसको माल कैसा चाहिए, हल्दी पीला कलर, लंबी चाल का और टेस्ट में प्रीमियम, दिखने में सुंदर, ये ठेले वाले की रिक्वायरमेंट है। उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अंगूठे इतना दे रहे हो कि 11 इंच का इतना दे रहे हो। 11 इंच का इतना मंगना इसलिए चालू हुए हैं कि हम हल्दी पीला कलर नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम लेंथ तो दे वादा जो क्या बोलते हैं आप, लंबाई। तो हल्दी पीला कलर, तो जब रासायनिक फर्टिलाइजर आए, गोबर खाद कम हुआ, तो हल्दी पीला कलर आना बंद हो गया। आप लोगों को एक आश्चर्य की बात मैं बताऊं, आंध्रा यहां से शायद 1200-1300 किलोमीटर है आगे आंध्र प्रदेश, और आंध्रा जब चालू होता है तो पूरे भारत का केला उठना कम हो जाता है और बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आंध्रा का किसान, वहां का जो माल है नेचुरल, वहां का जो क्लाइमेट है, वहां का जब केला जाता है दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा, तो सुपर हल्दी पीला कलर आता है और लंबी चाल का रहता है। केला छोटा है या बड़ा है वो दूसरे नंबर की बात है, पहले हल्दी पीला कलर फिर लंबी चाल का, झड़ना नहीं चाहिए। मैं खुद 2 साल तक रिसर्च किया कि दिल्ली चंडीगढ़ मेरे बड़वानी से 1000 किलोमीटर और आंध्रा बड़वानी से 1400 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर आदमी मेरा पार्टनर वेद 2500 किलोमीटर से माल लेके जाएगा, बड़वानी से माल नहीं लेगा, ये क्या कारण है? बड़वानी में 9 रुपए का रेट है, वहां पर 12 रुपए का रेट है तो 12 रुपए देगा। भाड़ा यहाँ पर 35,000 का है, वहां पर 70,000 का भाड़ा है, 70,000 का भाड़ा देगा, 12 रुपए का रेट देगा। क्यों? वहां पर ठेले वाला लेने को पसंद नहीं है बड़वानी का केला। जब ये मैंने समझा तो मैं ये इतनी रामायण आपको बदला पा रहा हूं कि ये हकीकत होती है। अभी इसको हमने कुछ प्रोग्राम में समावेश किया है कि हम केले की खेती कैसे करें और पौध कैसे हम लगाएं और एक बार लगाकर अनेक साल तक हम कैसे लें। और अगर आप लोग चाहें तो हम बायबैक एग्रीमेंट में भी जा सकते हैं, मिनिमम एमएसपी पर हम फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के तहत लेके आए हैं। तो मैं एक एक बात को आपको टचअप कर आगे बढ़ता हूं। जैसे भैया ने बोला कि यहां पर पौधा हमें जो मिलता है वो गड़बड़ है, तो किसान पाठशाला का खुद का टिश्यू कल्चर है रेवा फ्लोरा कल्चर, आप उसके साथ आ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। रेवा फ्लोरा कल्चर में भैया ये लिटरेचर दे दो, मैं एक एक ये समझ भी लेंगे।
रेवा फ्लोरा कल्चर हमने 2014 में सोचा, 15 में न्यू डाली, 15 लास्ट और 16 में टिश्यू कल्चर लैब बनी, जिसकी कैपेसिटी थी 25 लाख पौधे पर ईयर प्रोडक्शन की, और हम 6 किसानों ने लैब बनाई है। आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पर लिखेंगे रेवा फ्लोरा कल्चर तो हमारी सारी हिस्ट्री निकल के आएगी, वीडियो के सही वीडियो भी दिखेगा, हमारे सब डेटा भी मिलेंगे। तो 2016 में जब हमने पौधा बाहर दिया तो हमने पूरे हिंदुस्तान की 13 से 14 टिश्यू कल्चर लैब विजिट करी, जो सिलेक्टेड है, जो मायने रखती है, जिनका कुछ नाम है, साइजेबल नाम है, ऐसी लैब का हमने विजिट किया। फिर उनके डेटा इकट्ठे करके जब फाइनल लैब हमने बनाई तो 7 बातें इसमें रेवा में ऐसी है जो हिंदुस्तान की किसी लैब में नहीं है। 7 बातें रेवा फ्लोरा में ऐसी है जो हिंदुस्तान की किसी लैब में है ही नहीं। जब 2016 में टिश्यू कल्चर को अप्रूवल मिलता है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विजिट करते हैं और डीबीटी सर्टिफिकेशन देते हैं कि आपकी लैब ऑथेंटिक है और आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी पौधा बेच सकते हो और गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी तो इस बिल पर सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए डीबीटी सर्टिफिकेशन चाहिए। तो 2016 में जब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने विजिट करी तो उन्होंने 7 बातें ऐसी मिली उनको कि लैब तो हमारी छोटी थी, 4 एकड़ में लैब बनाई थी हमने 2016 में, लेकिन उसमें पहली बात थी कि हम हिंदुस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 6 साइकिल का पौधा बनाया है। लैब में जब पौधा बनता है तो उसकी 8 साइकिल तक गवर्नमेंट ने बोल रखा है, तो हमने 6 साइकिल का पौधा बनाया। दूसरा, लैब के अंदर आप इसमें फोटो में अगर देखेंगे तो मैं आपको समझाना चाहूं, ये लैब का ओरिजिनल फोटो है नीचे का, तो ये हरे कलर का जो दिख रहा है फर्श फ्लोर, इसको बोलते हैं एपॉक्सी। जैसे हम बैठे हैं यहाँ टाइल्स है तो सभी लैबों में टाइल्स लगती है, तो टाइल्स में जॉइंट आता है, एक टाइल्स और दूसरी साइड टाइल्स जुड़ी, तो यहाँ पर बैक्टीरिया घर करते हैं ये जॉइंट में। हिंदुस्तान की पहली टिश्यू कल्चर लैब है जिसमें जॉइंट लेस है, अंदर 12,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, एक भी जॉइंट नहीं है लैब के अंदर, पूरे में एपॉक्सी किया हुआ है, तो एक पोछे में पूरी लैब क्लीन होती है। और ये एपॉक्सी होता है फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जहां ह्यूमन बॉडी के लिए दवाई गोलियां बनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन रखना पड़ता है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के तर्ज पर हमने टिश्यू कल्चर लैब बनी, तो ये उनको बात बहुत अच्छी लगी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने हमारे ऑफिस से मेल भेजा उनके मेन ऑफिस में कि आगे से जो भी लैब बनेगी उनको लाइन लिखना है कि सबको एपॉक्सी करना है। ऐसी कुछ बातें हैं, आप भी जब रेवा का विजिट करोगे तो आपको मिलेगा। 2016 से हमने पौधा बनाना चालू किया, 25 लाख पौधे की कैपेसिटी थी, 16 में पौधा दिया, 17 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया, 20 का रिजल्ट आना अभी बाकी है। 20 का रिजल्ट तो अब आएगा जो 20 में दिया था। 4 साल का रिजल्ट ये है कि हमने जहां पौधा दिया है वहां से रिपीट ऑर्डर है, हमें मार्केटिंग करने कहीं जाना नहीं पड़ा। आपके यहाँ इस साल में इसलिए आया हूं कि यहाँ पर काफी सारे किसान डायरेक्ट फोन पर बुकिंग करके पौधा बुला रहे हैं, लगभग राजपिपला, राजपाड़ी, राजपारा, लांगलेश्वर तक, ये सत्यजीत और भरत और ये हर साल पौधा बुलाते हैं ऑनलाइन। मैंने कभी मार्केटिंग नहीं करी राजपिपला में अभी तक, क्योंकि जिसके यहाँ पौधा आया उसने रिपीट ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पर हम 3 से 5 लाख पौधे तो बेच रहे हैं हर साल, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ किसान बोल रहे हैं जो दूसरी कंपनियों से डरे हुए हैं कि पैसा दे दिया और पौधा 3 महीने बाद आ रहा है। जो किसान डरे हुए हैं, पौधा पैसा देने के बाद में 3 पत्ते का आ रहा है, प्राइमरी हार्डनिंग जो भैया ने बताया, तो बातचीत किससे करें, दादागिरी किसको बताए। इसलिए हमने यहाँ पर अभी जैसे राजपिपला में भैया से हमने चर्चा करी कि भैया ऐसा सीन है हमारे रेवा का, आपके यहाँ पर किसान आकर पौधा बुक करे तो आप बुकिंग लीजिए। लोकल आदमी चाहिए किसान को कि हम जिसको पैसा दें, समय पर ना आए तो इनसे बातचीत करें, गलत पौधा आ जाए तो इनको 2 बात सुना दे, क्योंकि वहां ऑनलाइन में सुनाने में थोड़ी एरर है, समय दूर है। तो पहली बार मैं आया हूँ आपके यहाँ और 4 साल का रिजल्ट ये है कि 4 एकड़ में हमने लैब बनाई थी, 25 लाख पौधे की कैपेसिटी, आज 18 एकड़ में लैब है और 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे हम पर ईयर के बना रहे हैं। ये किसानों की लैब है और 6 साइकिल का पौधा हम दे रहे हैं, ये उसकी उपलब्धि है कि जिस गांव में पौधा दिया रिपीट ऑर्डर, एक बात। दूसरी बात, 2016 में लास्ट में हमारे यहाँ लैब में एक फायर हुआ था, आगजनी हुई थी, तो हमने 16 एंड और 17 में क्या किया था, जो बोतल में पौधे बनते हैं
तो 3 साइकिल और 4 साइकिल के पौधे बाहर कर लिए थे, नया सब करना है इसलिए पूरा पौधा बाहर कर लिया, उसके पौधे बना करके मार्केट में निकाल दिए। तो आपके यहाँ भरूच शुक्ल तीर्थ जिग्नेश पटेल, इसमें जो फोटो है ये ऊपर वाली फोटो है, ये आपके गुजरात के किसान की है, इसका नाम है जिग्नेश पटेल। भरूच से अंदर जाएंगे शुक्ल तीर्थ करके आएगा, वहां के किसान है और इनके यहाँ उत्पादन आया 68 किलो 150 ग्राम। ये आपके क्षेत्र का किसान है। तो जब हमने इस पर रिसर्च किया कि इतना उत्पादन आया कैसे, तो एक तो इन्होंने लगाया था अगस्त में, दूसरा इन्होंने लगाया 6x6.5 में, तीसरा इन्होंने ड्रिप डाली थी डबल, और चौथा इनके यहाँ 3 साइकिल का पौधा आया हुआ था। साइकिल पता है क्या होती है? नहीं, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ साइकिल क्या होती है। जब लैब के अंदर बोतल में पौधा तैयार करते हैं एज ए टेस्ट ट्यूब बेबी, किसी भी पेड़ का एक हिस्सा जैसे केले के नीचे की गठान, उसको काट करके उसके सेंटर का 1 इंच बाय 1 इंच का हिस्सा बोतल में रखते हैं। उस बोतल में 90% आता है सुक्रोज, 5% आता है अगार जेल और 5% आता है न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं एमएस मीडिया। ये दुनिया की सभी लैब में यही रेसिपी फॉलो होती है। तो बोतल में जब किसी भी पेड़ का एक हिस्सा रखते हैं तो वो एयर टाइट ढक्कन और 28 डिग्री क्लाइमेट पर अंदर रैक में रख देते हैं और ऊपर से ट्यूबलाइट का लाइट देते हैं एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लैब के अंदर। तो ये 28 दिन में वो जो छोटा सा क्लंप रखते हैं वो ट्रिलिंग देता है, जैसे गेहूं का दाना ट्रिलिंग देगा। 28 दिन बाद उस बोतल को बाहर निकालेंगे, मतलब वही लैब के अंदर ही लेमिनार टेबल पे लेंगे और उसके जो ट्रिलिंग दिए हुए हैं उसको कट करेंगे 1 के 3, जितने भी ट्रिलिंग आएंगे। तो ये हुई एक साइकिल, जब क्लंप रखा बोतल में तो 28 दिन में उसको मल्टी किया तो उसके 1 के 3 हुए। फिर ये 3 बोतल रखी 28 दिन के लिए, फिर 28 दिन में इनमें स्प्रोटिंग हुई, फिर इसको कट किया तो ये हुए 3 के 9। ये दूसरी साइकिल, फिर 9 के 81, इसे इसको बोलते हैं मल्टी। तो गवर्नमेंट ने टिश्यू कल्चर लैब को बोला है कि आपको 8 साइकिल तक जाना है, इससे ज्यादा साइकिल लेनी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के टिश्यू कल्चर को गवर्नमेंट का लिखित आर्डर है कि 8 साइकिल से ज्यादा साइकिल नहीं लेना है, क्योंकि जितनी ज्यादा साइकिल हम लैब में लेंगे उतनी कम साइकिल आपके खेत में आएगी, मतलब F1 F2 कम आएगा या वेरिएशन आएगा उसमें, एक बात। दूसरा, ज्यादा साइकिल लेने से जो फर्स्ट आएगा उसमें भी वेरिएशन दिखेगा। तीसरा, रोग प्रतिकारक क्षमता कम होगी, ज्यादा ठंड ज्यादा गर्मी ज्यादा बारिश में पौधे में रेजिस्टेंट पावर कम होगा, तो रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने से पौधा सर्वाइव अच्छे से नहीं करेगा और बीमारियां ज्यादा आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने सारी टिश्यू कल्चर कंपनियों को बोला है 8 साइकिल तक आपको पौधा बनाना है। 8 साइकिल में एक जब क्लंप बोतल में रखते हैं तो 8 साइकिल में 1000 से 1200 पौधे तैयार होते हैं, मल्टी करते करते हर 28 दिन में एक मल्टी। तो हमने रेवा में रेवा G9 जो हम दे रहे हैं वो 6 साइकिल का दे रहे हैं, 8 से अगर एक रिवर्स होंगे 7, 8 साइकिल पे 1200, 7 पे 600 पौधे और 6 साइकिल पे आएंगे तो 300 पौधे। तो रेवा G9 अगर आप लेते हैं तो एक क्लंप जो रखा है वो 300 पौधे बनाकर बाहर करते हैं, 5 पत्ते से नीचे का पौधा देते नहीं। जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट, अगस्त और सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने बारिश के हैं, इन 3 महीनों में ही हम 5 पत्ते का पौधा देते हैं 8 इंच का। बाकी समय में अगर आज आप पौधा लोगे तो हमारा 1 फीट का पौधा आएगा, 1.25 फीट का, जिसका तना आएगा अंगूठे जैसा। हिंदुस्तान में पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि 45 दिन की हार्डनिंग करते हैं, और कैरेट हमारे पास का जो है वो साइजेबल कैरेट है, जून जुलाई में छोटा कैरेट आता है। और फार्मर को हम बोलते हैं पौधा पसंद नहीं आया तो तुरंत वापस भेजना है, उतारना नहीं है, रिसीव करना नहीं है, क्योंकि मेरी लैब में भी मैं किसान के पास बैठता हूँ इधर से मैं बात भेजता हूँ कि भैया पौधा आपके लायक नहीं है तो आपको रिसीव नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात, जब हमने जिग्नेश पटेल के यहाँ रिजल्ट देखा तो हमने एक 4 साइकिल का सेगमेंट अलग निकाला जिसका नाम दिया रेवा प्लस, वो भी G9 है। जैसे 1000 इनिशिएशन किए तो 500 क्लंप 6 साइकिल तक गए और 500 क्लंप 4 साइकिल में ही बाहर कर लिए, इसको बोलते हैं रेवा प्लस। और वर्ल्ड में पहली रेवा फ्लोरा कंपनी ऐसी है
जो चार साइकिल का पौधा दे रही है रेवा प्लस के नाम से, राइटिंग में, डीबीटी नॉर्म्स में और ट्रेसिंग रिपोर्ट में एकमात्र रेवा प्लस है जो चार साइकिल का पौधा दे रही है। अभी चार साइकिल में पौधे बनते कितने हैं? छह साइकिल में 300, पांच साइकिल में 150 और चार साइकिल में 75 से 80 पौधे। एक क्लम जो रखा उसके 80 से 100 पौधे बना करके बाहर कर दिया, और मार्केट का एक क्लम रखा जिसके 1000 पौधे बन करके बाहर हुए हैं, और ये दोनों पौधे आपके खेत में लगेंगे तो रिजल्ट आपको खुद को दिखेगा। इसलिए हमें कहीं मार्केटिंग करने जाना नहीं पड़ता है और फार्मर रिपीट ऑर्डर देता है, ये मेन हमारा रेसिपी है। तो रेवा प्लस अगर आप लगाते हो और जो आपकी समस्या है कि लाम अच्छा नहीं आया या सेकंड थर्ड नहीं आया, तो रेवा प्लस में तो हम बोलते हैं कि अगर आप 100% हमें फॉलो करोगे तो आपको पंचवर्षीय योजना पे जाना है। एक बार लगाकर कम से कम 7 से 8 कटिंग लेना है और 5 साल तक मिनिमम रखना है, क्योंकि हमने लैब में कम साइकिल ली है तो आप खेत में ज्यादा साइकिल ले सकते हो, ये हमारी गारंटी। दूसरा, रेवा प्लस में हम गाइड करते हैं आपको लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, जिसमें 45 स्क्वायर फीट की जगह बनती है। और जब ऐसा ग्राफ लेते हैं, ये आएगा झिकझे, आमने सामने नहीं आएगा, आगे पीछे आएगा। जब ऐसा ग्राफ लेते हैं तो एक एकड़ में 968 पौधे आएंगे। इससे आपके क्षेत्र में जो क्लाइमेट है इसके हिसाब से पहली कटिंग 10 से 11 महीने में खत्म हो जाएगी, दूसरी कटिंग हर 6 महीने में आएगी। इसमें समस्या रहती है, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, अभी जो ये समर का टाइम निकल रहा है, तो यहाँ 45-47 तक टेम्परेचर चला जाता है। बराबर, तो सबसे बड़ी दिक्कत वो जो फ्रूट है वो काला हो जाए। बराबर, उससे कुछ न कुछ करना पड़ता है। आपको पता है ऐसे मेहनत तो कई उसमें प्रयोग किए, 6x6 का भी किया, 5.5x5 का किया, एक मैं तो 7x5 का भी किया था। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपरली जो चल रहा है ये 5.5x6 वाला ही, 5.5x6 या 5.5x6 या 5.5x6। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, आपको क्यों दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ये तो थोड़ा समुद्री तट के पास में, यहाँ से बड़वानी जो है शायद आपके यहाँ से 2 डिग्री ज्यादा रहता है हमारे यहाँ। मई में 20 मई से 10 जून तक आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ऐसे हाफ में बाइक नहीं चला सकते बड़वानी में, वरना ये चमड़ी जल जाएगी, ऐसी लू चलती है। और वहां हमारे पास ये ग्राफ लगा है। तो इसको सस्टेनेबल कैसे करें मैं उसको बतलाता हूँ कि कैसे ये सक्सेस होगा। 5x9 पर आप गए तो पहली कटिंग 10 से 11 महीने में और दूसरी हर कटिंग 6 महीने में आएगी। जिस सेशन में बीच में ठंड आ गई तो 7 से 8 महीना होगा, और जिस लाम में ठंड नहीं आई तो 6 महीने में कटिंग आती है। अब उसकी रेसिपी और उसका चाल चलन क्या होता है, कैसे चलता है। जब आप 5x9 पर लगाते हैं और zigzag लगाते हैं तो हो क्या रहा है, जैसे अंकल ने बताया कि 6x6 पर भी धूप घुसती है, 5.5x5 से बड़ा किया तो धूप घुसती है, डंडा काला पड़ेगा, पत्ते सूख जाएंगे, और पिचकने की भी शिकायत आएगी जब लाम खड़ा होगा। तो उस समय अगर आपकी फील्ड में हरे पत्तों की संख्या कम है खेत में, पौधे पर वजन टंगा है, वेट है, और आपके यहाँ का जो क्लाइमेट है वो 30 किलो के आगे पीछे पकता ही है, 25 से 32 किलो आता है वेटेज यहाँ पर क्योंकि मिट्टी का सपोर्ट बहुत है। तो ऐसे वजन में आपके यहाँ पौधे में हरे पत्तों की संख्या कम है और आइट साइड गन्ना घास नहीं है चारों तरफ बाउंड्री में, तो गर्म हवा जो घुसती है 6 फीट में तो पूरे खेत को चीरती हुई बाहर निकलती है। और केला अगर उसके पत्तों को छील दोगे आप तो केले के अंदर कुछ मिलेगा नहीं, हड्डी नहीं है उसके अंदर, पत्तों का आवरण है। जैसे पत्ता गोभी, ये बड़ा पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी के पत्ते छील दो कुछ नहीं मिलेगा, गायब। ऐसे केले के पत्ते छील दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जब केले का पौधा खड़ा है और इसको गर्म हवा लग रही है अंदर तक आखिर तक, तो इसके जो पत्तों का कलर है वो हरा पीला होना चालू होता है। ठंडी में सर्द रात जनवरी का पहला सप्ताह 3 बजे बाद की जो ठंड लगती है सुबह सुबह की, उसमें भी जब पत्तों को पौधे को ठंड लगेगी तो ये पत्ते छोड़ता है। और ये थर्ड जब भी ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंडी लगी तो पत्ते छोड़ेगा या ढीला होगा,
तो ढीला होगा तो इसके पत्ते सूखना चालू होंगे और पौधा खड़ा है और यहाँ से टूट कर पिचकेगा। ये कब होगा? जब जब इस लाट को 40 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर लगा या 10 डिग्री के नीचे की टेम्परेचर की हवा लगी। तो हमें हमारा खेत क्लाइमेट कंट्रोल करके करना पड़ेगा। तो अगर सस्टेनेबल अच्छा जाना है, एक बार लगाकर लॉन्ग टाइम, दूसरा हर 6 से 8 महीने में कटिंग लेना है, कम से कम 3 से 5 कटिंग तो ले ताकि हमने पैसे लगाए उसकी वसूली हो। तो उसके लिए पहला काम करना पड़ेगा, खेत के चारों तरफ गजरा घास लगानी पड़ेगी। क्या बोलते हैं आप? गजरा घास, हाथी घास। जिस दिन हमने केला लगाया उसी दिन मेड़ के चारों तरफ हाथी घास लगानी है, पहला काम। वो हाथी घास काम में आएगी आपके जनवरी के पहले सप्ताह में जब उसकी हाइट होगी। दूसरा वो काम में आएगी अप्रैल मई जून बारिश आने के पहले तक, खेत में गर्म हवा ना घुसे ना खेत का हुक बाहर निकले। खेत को स्वेटर पहनाना है, चारों तरफ से बाउंड्री करना है। नेट की बाउंड्री कुछ काम की नहीं, हरी नेट की बाउंड्री कुछ काम की नहीं। जैसे पुराने व्यक्ति क्या करते थे, आज भी कहीं नहीं करते होंगे, कि जिनका मकान का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में था वहां पर वो जो खस आता था उसका नेट बांधते थे, टट्टी बांधते थे और उसके ऊपर पानी डालते रहते थे तो घर के अंदर जो हवा घुसे वो ठंडी जाए। उसी का मॉडिफाइड रूप क्या आ गया, कूलर। कूलर की खिड़कियों में जाली में खस लगा दिया, चारा लगा दिया, उसमें पानी गिर रहा है तो बाहर की कितनी भी गर्म हवा हो ये ठंडी होकर के अंदर जाएगी। इसलिए गजरा घास आपको खेत के चारों तरफ बाउंड्री पे लगाना है और रास्ते में भी जो अंदर बाहर होने का रास्ता है उसको पैक करना है, सबसे पहला काम केले। दूसरा, हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो ग्राफ की डिजाइन क्या होना चाहिए? केले का जो पत्ता है जब फ्लावरिंग देता है उस समय 1.5 से 2 मीटर का पत्ता, और जिस खेत में अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस है 2.5 मीटर का पत्ता आता है। पान की लंबाई 2 मीटर आया मतलब 3.25 और 3.25 6.5 फीट का पत्ता आता है जब बियान होता है। उस समय जो आखिरी के 4-5 पत्ते रहते हैं उनका साइज बहुत बड़ा आता है और आपका ग्राफ कैसा है वो मायने रखेगा कि यहां पर गर्मी में क्या होने वाला है। जैसे 5x6 किया या 5.5x5.5 किया तो जिस समय निंगल आ रहा है उस समय आपके कंधे से सिर तक के पत्ते ड्रॉप हो जाएंगे, ऐसा होता है। फ्लावरिंग जब हो रही है तो हरे पत्ते झुक जाते हैं क्योंकि उस खेत में छांव है, धूप रोशनी अंदर बाहर नहीं हो रही है, छांव है। और निंगल जब होता है तो उसे बहुत ज्यादा प्रेशर में पोटास और फास्फोरस की जरूरत है उस कमल को बाहर निकालने में। तो फील्ड में जब धूप कम लगती है पत्तों में तो अननेसेसरी जो उसकी एनर्जी खर्च हो रही है इस पत्ते को पकड़ के रखने में, इस पे सूर्य की रोशनी तो गिर नहीं रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करता नहीं, इसका कुछ काम नहीं, तो इसको प्रकृति अपने आप ड्रॉप कर देती है। अननेसेसरी ये वेटेज ले रहा है, वो पूरा वेट उसको देना है कमल को बाहर निकालने में। तो नेचुरल में है कि ऐसे पत्ते जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनको वो झुका दे। इसलिए फ्लावरिंग आते समय आपके खेतों में कंधे से सिर तक के पत्ते झुक जाते हैं 5x5, 5.5x5.5 या 5x6 के ग्राफ में। ऐसा आपके यहाँ होता भी होगा अगर आप ध्यान से समझेंगे। उस टाइम तो हम ये समझते हैं कि पानी की कमी पड़ती है और गर्मी बढ़ गई, हमारी मेंटालिटी है यहाँ की, ऐसा नहीं। 5x9 पर आपने लगाया है, 5x7 पर जिगजैग लगाया है, सराउंड ग्राफ रखा है, तो घुटने से कमर तक का हरा पत्ता रहता है जिस दिन फ्लावरिंग आती है। ये मेरे खेतों में आपको दिखेगा, मैं आपको कुछ वीडियो लिंक दूंगा जहां पर मेरी प्रैक्टिस है। 5x7 कम से कम, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7, झिकझेक उसको 8 भी कर सकते हो, 9 तक कर सकते हो, 9 सबसे अच्छा है 5x9। जब ये ग्राफ होता है तो पौधा सराउंड धूप लेता है, आमने सामने नहीं, ऐसा तिरछा। तो इसमें जब पत्ते आते हैं तो ये पंखे की पंखुड़ी के जैसे पूरे सराउंड आएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते, समझ रहे? जब हम 5x5 या 5x6 लेते हैं तो पत्ते ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। तो सूर्य की रोशनी इस पत्ते को तो मिल रही है, इस पत्ते को नहीं मिल रही, तो ये कुछ काम करने के ड्रॉप होगा। एनर्जी जबरन ये ले रहा है, ऊपर उठकर रखने की वो मेहनत ले रहा है, ये ड्रॉप हो जाएगा। और जब 5x9 या 5x7, 5x8 में आप झिकझेक में जाते हो तो आमने सामने पत्ता नहीं आएगा, पत्ता ऐसा आएगा, समझ रहे? एक तरफ से देखोगे तो 5 और दूसरी तरफ से देखोगे तो 9 फीट जो है उसमें 4.5 दिखेगा, क्योंकि पौधे से पौधा 9 है लेकिन अगली लाइन में सामने पौधा है,
तो गर्म हवा ठंडी हवा को घुसने के लिए रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका पत्ता आएगा ऐसा। अरे ख्याल में ये प्रैक्टिकल में आपको मेरी साइडों पर किसान पाठशाला का यूट्यूब चैनल आप अगर सर्च करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो कई सारे वीडियो हैं, 2100 वीडियो डले हुए हैं। अभी मैं 4 दिन से आपके गुजरात में था, तो आणंद, नापा, सारसा, ओड और आपका बोरियावी, ये यहाँ पर कई सारे मेरे प्लाट लगे हैं, वो सब मैंने 10-12 वीडियो डाले हैं। अभी आज सुबह यहाँ के पास के गांव में था, कौन सा गांव था ये, बावड़ी, वहाँ के कुछ वीडियो मैंने डाले हैं। और पिछले 12 दिन पहले मैं आया था बावड़ी, तो वहाँ का एक वीडियो था जिसका निंगल आ रहा था और जिसका कमर तक का पत्ता हरा है, आपके गुजरात में आपके गाँव के पास फ्लावरिंग जो आ रहा था, कमर तक का पत्ता हरा है। तो जितने पत्ते हरे रहेंगे उतने जो बंच में न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी, साइंस को समझना। जितने पत्तों में फोटोसिंथेसिस हो रही है, सूर्य की रोशनी से क्या होता है, दिन में पौधा अनाज पचाता है, जो इतना उसने रात भर में उठाया उतना दिन में फोटोसिंथेसिस से पचाएगा और अपने फल में भरण करेगा, वापस रात में न्यूट्रिशन अपटेक करेगा और दिन में धूप में पचाएगा। तो जितने पत्तों पर फोटोसिंथेसिस होती है उतना ज्यादा न्यूट्रिशन फल में जाता है, ये साइंस है। अब जितने ज्यादा पत्ते होंगे, अगर आप अच्छे व्यापारी को देखेंगे जो लंबी दूर माल जिसको भेजना है, या एक्सपोर्टर को देखेंगे, या बॉक्स पैकिंग जो जम्मू कश्मीर जाता है, तो वो आपके खेत में पहले आकर के देखेगा क्या कि फल तो है, पत्ते कितने हैं, आप ऑब्जर्व करो। वो व्यापारी देखेगा कि इस बगीचे में पौधे पर 5 पत्ते बचे हैं कि 7 पत्ते हैं कि 3 पत्ते हैं। कम पत्ते हैं तो सौदा नहीं करेगा बड़ा व्यापारी, 5 मिनिमम चाहिए, 7-8-9 पत्ते चाहिए जिस दिन आपका माल कट रहा है। ज्यादा पत्ते होंगे तो ये केला जब जाएगा तो हल्दी पीला कलर देगा, पहला सिंबल। एक्सपोर्टर को भी अगर मैं लेके आऊंगा तो 7 पत्ते से नीचे के बगीचे को काटने में मना करेगा वो, ये फैक्ट है। मिनिमम में बात बता रहा हूँ, आपके मुंह से भी सुन रहा हूँ मैं, तो इतने पत्ते होना चाहिए। तो पत्ते ही न्यूट्रिशन वैल्यू लाएंगे, पत्ते ही लंबी चाल का केला रखेंगे। अभी जो अंकल का कहना था कि गर्मी में हमारा पौधा गिर पड़ होगा, इतना बड़ा ग्राफ लेंगे तो उसको मैनेज कैसे करें, इसके लिए जो हम गाइडलाइंस देते हैं वो गाइडलाइंस देते हैं लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, चारों तरफ गन्ना घास, और जब पौधे से पौधा 9 जिगजैग होता है तो इस तरफ से 4.5 रहता है, इस तरफ से 5 रहता है। तो एक तो हमने गन्ना घास करी है तो उससे अंदर गर्म हवा जाएगी नहीं, दूसरा ग्राफ हमारा ऐसा है आगे पीछे जिगजैग का, तो इसका 2 मीटर का पत्ता इधर आया, इसका 2 मीटर का पत्ता इधर आया, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर बाहर होती नहीं, एक चीज। दूसरा, आपने जब प्लांटेशन किया तो 5x9, 5x8 या 5x7, ये 3 में से जो भी ग्राफ हो, 5x7 के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, 5x7 या इसके ऊपर, तो पौधे में फल आया नहीं उसके पहले आपको बेबी रखना है। इसमें 5x9 या 5x8 के ग्राफ है, 6 महीना आपके पौधे का हुआ, 5 महीने के ऊपर, और जो स्टम खड़ा है उसके तने की मोटाई को टेप से नापना है, और ये तने की मोटाई कम से कम 25 इंच से प्लस होना चाहिए, पौधे में 25 पत्तों की संख्या होना चाहिए और 5 महीने से प्लस उम्र होना चाहिए, उसमें आप उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में नया बच्चा रख सकते हैं। अभी इसका फल आया नहीं, और ये किसका रख सकते हो, उस पौधे की जिसकी आपने साइकिल कम वाला पौधा खरीदा, 8 साइकिल वाला पौधा, 7 साइकिल वाला पौधा, फल आने से पहले अगर बच्चा रखा तो आपका उत्पादन कम आए, फिर आप मेरे को दोबारा इस गांव में आने नहीं दोगे। फल आने से पहले जिसका बेबी रख लोगे तो वो भी तो न्यूट्रिशन लेगा, तो आपके उत्पादन में कमी आएगी। कम साइकिल वाला पौधा है तो आप ये 5 से 6 महीने के अंदर 25 इंच तने की मोटाई, 25 पत्ते और 5 महीने की उम्र हुई, तो उत्तर या पूर्व दिशा में रखना है, दक्षिण पश्चिम में नहीं रखना है, क्योंकि फल आता है वो दक्षिण दिशा में आता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन चलता है, तो पौधा थोड़ा टेढ़ा तो हो जाएगा फल आने के पहले, तो फल वो दक्षिण दिशा में देगा, इसलिए हमें उत्तर दिशा में बेबी छोड़ना है। अभी फल आपका आएगा 7 महीने के आगे पीछे, मतलब जब फल आया उस दिन हमारे बेबी का साइज हुआ 1.5 से 2 महीने का, ठीक है। आपने अगर जुलाई में पौधा लगाया है तो आपके यहाँ फ्लावरिंग आएगी 15 फरवरी के आगे पीछे,
ठीक है, 15 फरवरी के आगे पीछे फ्लावरिंग आएगी तो आपके बेबी की हाइट रहेगी 1 से 1.5 फीट की। वो चौड़े पत्ते देने की कोशिश करेगा, अभी सकरे पत्ते आ रहे हैं जिस दिन फल आया, अभी ये फल 90 दिन में माल कटेगा, तो 90 दिन मतलब कि मार्च अप्रैल मई, भर गर्मी में मई में माल कटेगा, या थोड़ा लेट फ्लावरिंग आया है, ठंडी लंबी चल गई है तो जून में माल कटेगा। तो उस समय टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है जब फल माल काटेगा, उस समय ये 2 महीने का पौधा था जब फ्लावरिंग आई थी, तो 90 दिन बाद इसकी हाइट कितनी होगी, 5 महीने की। बात समझने की है कि जब माल कटेगा उस दिन हमारे बेबी की हाइट रहेगी 5 महीने की, तो इसमें हरे पत्तों की संख्या रहेगी लगभग लगभग 20 के ऊपर नीचे। तो ये हरे पत्ते होंगे तो आपके पौधा गिरपड़ नहीं होगा, माल में क्वालिटी बनेगी और प्रीमियम माल नजर आएगा, क्योंकि एक तो आपने खेत के चारों तरफ गन्ना घास लगा के रखी है, दूसरा ग्राफ झिकझिक है ताकि गर्म हवा ठंडी हवा अंदर भी जा रही, और ऊपर से जो डायरेक्ट धूप आ रही है उसको रोकने के लिए आपके खेत में 968 पौधे थे प्लांटेशन के दिन 5x9 पर, और जब 6 महीने बाद आपने बेबी रखा तो 1936 पौधे हो गए, क्योंकि 968 फिर बढ़ गए, समझ रहे हैं। तो जब माल कटेगा उस समय ये जो पापा जी हैं इनके पास तो 8-10 पत्ते हैं, और जो बेटा है इसके पास 20 पत्ते हैं, तो आपके खेत में जो हरे पत्तों की केनोपी है उसकी संख्या ज्यादा रहती है, और कोई भी गर्म हवा ठंडी हवा अंदर जाती है तो वो सॉफ्ट होकर ठंडी होती है। अगर आपने 5x7 से बड़ा ग्राफ लिया और 6 महीने में बेबी नहीं रखा तो आपके पौधे को नुकसान है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने ग्राफ बड़ा ले लिया और 6 महीने में नया बेबी नहीं रखा तो आपका फल 47 डिग्री टेम्परेचर में यहां से टूट के गिर जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि धूप ज्यादा लगनी है, गर्म हवा अंदर घुस रही है, कंडीशन अप्लाई, जैसे हम बीमा करवाते हैं तो नीचे लिखा हुआ रहता है ये नहीं हुआ तो बीमा मिलेगा नहीं। मतलब आपने अगर बड़े ग्राफ पर गए, हर 6 महीने में कटिंग लेने को गए, तो आपको हर 6 महीने में नया बेबी लेना भी पड़ेगा, तो ही आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या रहेगी, और हरे पत्तों की संख्या है तो आपका फल क्वालिटी वाला आएगा। मदर प्लांट डालने के बाद में 4-5 महीने के बाद में जब क्रिस पाउ नए जो पिल्ले निकलते हैं वो शुरुआत में काटते नहीं है, किसको छोड़ना है वो पता नहीं है, तो इसकी वजह से 5-6-7 में निकलते हैं, आगे पीछे होता भी है। तो रियलिटी क्या है, सबको पहले काट लेना चाहिए या तो रख छोड़ना चाहिए। ये जो नए लाम रखने की तरीका और कौन सा लेना चाहिए और कैसे कटिंग करना चाहिए, वो जब हमने प्लांटेशन किया तो एक इसका 100 से 120 दिन के बीच में जितने भी पील आए हैं उनको जमीन तल से कट करना है और उनको टाई बांधना है, नाइलॉन की रस्सी बांधना है, जो लाम आया इसको कट किया और इसमें टाई बांध दी। टाई बांधने से ये होगा, नाइलॉन की बारीक रस्सी आती है मछली पकड़ने का धागा जो बहुत हेवी रहता है, ऐसे 2 राउंड लगा करके गठान बांध दी। अब ये पील वापस आएगा 15 दिन में, वो मुंह निकाल देगा और 20 से 30 दिन में इसकी गठान की मोटाई आएगी। जब आपने इसको टाई बांध दिया है, ऐसा एक रिंग बांध दिए, तो जब ये मोटा होगा तो इसके पत्ते अपने आप फटने लगेंगे, आपको दराती लेकर काटने जाने की जरूरत नहीं, समझ में आया। ये कंद अभी छोटा है, 120 दिन में हमने इसको काट दिया और यहां पर टाई बांध दी गर्दन पे इसके, तो अब इसका साइज तो बढ़ना है, साइज बढ़ना है और टाई तो उतनी बड़ी है नायलॉन की, तो ये ऐसे साइज बढ़ाते बढ़ाते पत्ते को अपने आप फाड़ता रहेगा, आपको दराती लेके जाना नहीं, पहली बात। तो जो मेन थर्ड है, इसकी पहली रिंग का जो बेबी आया है ये रखना नहीं है, ये F1 में सक्सेस होता नहीं, ये तो उखाड़ पचाड़ होगा, किसी ने पूछा था कि पौधा हमारा गिरपड़ होता है, तो ये जो बाहर की रिंग वाला बेबी रहता है इसको कभी नहीं रखना है। तो ये एक तो मार्किंग हो गया जिसको टाई बांध दी, ये बाहर की रिंग है और ये टाई बांध दी है, तो ये कितना भी बड़ा होगा ये अपने आप पत्तों को काटता जाएगा, हमें दराती लेके जाना नहीं, एक काम हो गया। दूसरा काम, इसके बाद जैसे 90 से 100 दिन में हमने ये किया 120 दिन में, तो आपका 180 दिन में फिर अंदर की रिंग का बेबी आएगा। एक्चुअली केला जितने पत्ते लेकर के आता है ना, इसके पत्ते का जहां जुड़ाव होता है, पत्ता जहां जुड़ता है वहां से नई आंख निकलती है। केले के पेड़ में कम से कम 35 आंखें निकल सकती है,
क्योंकि 35 पत्ते हमारे खेत में आते हैं, तो हर पत्ते के जुड़ाव पे एक आंख आती है। तो पुरानी जो पहली रिंग थी उसको आपने टाई बांध कर डेड किया, रोका, तो जो अंदर की आंख है, आई बर्ड है, वो निकल के आएगी। तो इसको लेना है, 100 से 120 दिन के अंदर रोको, खत्म करो, मार्किंग करो। इसके बाद में जो 180 दिन से 200 दिन की जो नई आंख दिखेगी उसको लेना है। तो ये जो नई आंख है, आपने जो क्वेश्चन किया था कि हमारा 50% से ज्यादा कटता नहीं अभी लाम, तो ये जो नई आंख लोगे ये पूरे खेत की एक जैसे होगी, क्योंकि हम मजदूरों के साथ में घूम नहीं सकते, केवल गाइडलाइन दे सकते हैं कि इस तरीका का बेबी रखना है। और जब आपने पहली बार को टाई बांध दी तो वो तो दिखेगा मजदूर को कि भाई टाई बंधा हुआ, पत्ते फटने वाला नहीं रखना है, जो नया लोंग आया है वो रखना है। तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी कि रखना कौन सा, अभी रखना है उत्तर दिशा का या पूर्व दिशा का, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में फ्लावरिंग आती है। तो ये एक रेसिपी हुई। अगर आप 5.5 पर ही रहते हो, अगर आप 5x6 पर ही रहते हो, आगे बड़ा ग्राफ नहीं लेते हो, तो फिर आपको ये सेकेंड टाई और बांधनी पड़ेगी 6 महीने में, दूसरी बार टाई फिर बांधनी। एक बार आपने टाई बांधी 100 दिन में, दूसरे बार टाई जो बाद में आए काट करके 200 दिन में टाई बांधनी। और जो तीसरी लाइन आएगी उसका बेबी रखना है कब, जब आपके खेत का 60% माल कट जाए, 60% माल आपके खेत का कट जाए, उस समय तीसरी बार का लोंग रखना है, तो भी आपकी रटून सक्सेस होगी। क्योंकि पहली रिंग पूरा आपने टाई बांध के मार्किंग कर दिया, दूसरी रिंग को टाई बांध दिया, अब तीसरी रिंग का जो बेबी आएगा, आते ही रहते हैं, आप जैसे रोक दोगे वैसे आएगा। तो आपका 5x5 या 5x6 या 5.5 का जो ग्राफ है उसका तीसरी रिंग का बेबी रखना है, तो वो एक साथ फ्लावरिंग आएगा, एक साथ कटिंग आएगा, और वो पहले दिन से पहले पत्ते से न्यूट्रिशन लेना चालू होगा। तो 60 से 70% माल कट जाए उस समय आपको बेबी रखने की तैयारी करना है, ताकि आखिरी महीने में माल कटता रहेगा और इसका साइज बढ़ जाएगा। कभी कभी गलती हो जाती है, आपने जो पूछा है कि मेन थर्ड जो खड़ा है और उसके पास में बेबी है, हम ये रिंग की जब बात कर रहे हैं तो कोई कोई क्या करता है, ये मेन थर्ड है इसके पास बेबी है तो इसका बेबी रख लेंगे, ये गलत है। क्योंकि ये जब लाम फर्स्ट कटा तो इसका जो पानी रिवर्स होगा वो इसी के बच्चे को ज्यादा जल्दी से देगा, इसके बच्चे के बच्चे को लेट मिलेगा। तो थर्ड जनरेशन की नहीं छोड़ना है, थर्ड रिंग की छोड़ना है, मेन जो कंध है उसका बेबी नहीं रखना है, मेन थर्ड का ही बेबी रखना है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपने जो ग्राफ बताया तो दिशा के हिसाब से डिस्टेंस कैसे रखना है? सूर्य भगवान बहुत दूर है, हमें जो ग्राफ रखना है हमारे खेत का पानी किस दिशा में निकलता है उस दिशा में हमें ड्रिप रखना है, ड्रिप की डिजाइन के हिसाब से। हाँ, ड्रिप की डिजाइन के हिसाब से ड्रिप 5 पे चाहिए, ये फिक्स है, ताकि 2750 मीटर ड्रिप लगे, 9000 डीपर हमारे खेत में आए तो पानी की बूंदे गिराने वाले जो पॉइंट है उनकी संख्या व्यवस्थित है। और इसमें डबल ड्रिप डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2750 मीटर ड्रिप हमने कर ली। सबसे ज्यादा दिक्कत साउथ जोन हमारा साउथ गुजरात सबसे खार वाली जगह हो गई है, यानी कि बिल्कुल चौकअप हो जाता है, बराबर वो सफेद सफेद काई आ जाती है, बोरिंग के पानी चल रहे हैं, बोरिंग के पानी सब जगह बोरिंग वाला ही चलता है, और 80% माना के 6 महीने में चौकअप हो जाता है। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, इसके लिए एक सटीक विकल्प है, जिन खेतों में छार दिख रही है, जिन खेतों में ड्रिप पर सफेद सफेद वो ड्रिपर के पास छार दिख रही है, आप लोगों को 1000 पौधे पर हर 15 दिन में 1 लीटर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो हेवी ब्लैक सॉइल है, ज्यादा छार दिख रही है, उन्होंने 7 दिन में 1000 पौधे पे 1 लीटर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, ड्रिप में छोड़ना है, ड्रिप में छोड़ना है। उसका तरीका है कि 100 लीटर पानी, उसमें 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड धीरे से धार बना के डालना है, बुन 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 जाएगा, क्योंकि वो डलते से बबल तेजाब आता है, वो केयरफुल यूज करना है, दस्ताने पहनकर, अपने ऊपर गिरेगा तो जला देगा, एकदम हेवी तेजाब आता है, उसको केयरफुल यूज करना है। अभी आपने ड्रिप का बटन दबाया, ड्रिप चालू करी, तो पहले 15 मिनट उसको प्रेशराइज होने दो,
पानी बनने दो, उसके बाद में ये 100 लीटर पानी है 15 मिनट में चला दो, मतलब स्पीड से चला दो, ताकि पहले आवरण में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए। उसके बाद 3 से 4 घंटे मोटर चलाना है, ताकि उस सल्फ्यूरिक एसिड वाले पानी के ऊपर से ये पानी निकल के पूरे जगह में फैल जाए, कुछ नुकसान नहीं। और इसके बाद अगले 3 दिन या 2 दिन के लिए पानी बंद करो, टेम्परेचर ज्यादा है तो 2 दिन करो बंद, नॉर्मल टेम्परेचर है तो 3 दिन तक मोटर बंद रखना है, क्योंकि आपने यहाँ पर 8 घंटे 4 घंटे पानी ज्यादा चलाना है, ताकि ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी सब दूर स्प्रेड हो जाए। इससे होगा ये कि आपके सॉइल टेक्सचर में जितना भी पीएच बढ़ा है, जो मिट्टी के पार्टिकल पे जिंक बोरान और फास्फोरस कॉम्पैक्ट हुआ है, वो ये सल्फ्यूरिक एसिड जाने से ये बॉन्डिंग टूटेगा। बॉन्डिंग टूटने से क्या होगा कि वो जमीन होगी ढीली, और ढीली होगी तो आपका पौधा 4 गुना स्पीड से चलेगा। बॉन्डिंग टूटने से एक तो उसको फर्टिगेशन मिलना ज्यादा चालू होगा, जो पुराना डला था वो रिलीज होगा, दूसरा सॉफ्ट होगी जमीन तो उसके कंद का विकास बढ़ेगा, उसकी जड़ों की स्पीड बढ़ेगी। जिन भी खेतों में ये प्रॉब्लम है, ज्यादा क्षार है, जरूरत से ज्यादा है 7 दिन में चलाओ, मीडियम है 15 दिन में एक बार चलाओ, और नॉर्मल है, हम डीएपी यूरिया पोटाश यूज करते ही हैं, तो महीने में एक बार सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना ही चाहिए। आप लोगों ने ऑटोमेशन का सुना होगा, हाँ उसका थोड़ा एरर है, वो लाने में आपको अरेंज करना पड़ेगा, ड्रिप सिस्टम से आता है। हाँ, तो सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करेंगे तो जमीन भी सॉफ्ट होगी और सब कुछ होगा। लगभग मोटी मोटी बातें हुई थी, जो आपकी एरर थी इसमें एक चीज और करना पड़ेगा आपको, 500 लीटर। अभी आपके खेतों की जो परिस्थिति है, सिगाटो का और लाम आना चाहिए अच्छा, इसके लिए आपको 70-30 का फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा, जो आपको यूट्यूब पर किसान पाठशाला चैनल पर मिलेगा। आपको उसमें लिखना है 999 किसान पाठशाला, तो एक 3 घंटे 30 मिनट 20 सेकंड का वीडियो आएगा यूट्यूब पर किसान पाठशाला पे, जो शीर्षक है 70-30 फार्मिंग। उसको एक बार वीडियो को पूरा देखो, हमारे 2016-06 से लेकर अभी 999 फार्मिंग 70-30 खेती, ये वीडियो आपको देखना है। तो ये वीडियो देखने के बाद उसकी कुछ चीजें अडॉप्ट करना है, उसको मैं संक्षिप्त में समझा देता हूँ, वो सूत्र क्या है। 2006 से लेकर अभी 2021 तक का जो हमारा सफर है किसान पाठशाला का, ये जो 15 साल का सफर है, इसका निचोड़ है ये, और पूरे हिंदुस्तान को हमने ये दिया है, और ये सूत्र हमने पेटेंट के लिए फाइल किया है। ये सूत्र क्या है, हम जो भी खेती करें इसमें पौधे को डेवलप होने के लिए 70% जगह रिजर्व कर दें, जिसमें हम कभी चल फिर नहीं करेंगे, कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे, वहां जमीन को पुश नहीं करेंगे, वहां चारा मार नहीं डालेंगे। सूत्र को समझना है आपको कि मैं क्या बतला रहा हूं। हमने केले का पौधा लगाया तो हमारे खेत में 70% ऐसी जगह होनी चाहिए कि पौधे की जड़ों का विकास हो निरंतर, उसकी जड़ों को हम हर सप्ताह काटपीट ना करें, कल्टीवेशन ड्रिप हटाकर चारों तरफ से ना चलाए, बारिश के टाइम में भी नहीं कर लेगा। हाँ, मैं इसको कंप्लीट समझाता हूँ। 70% जगह ऐसी जो जड़ों का विकास करे, 30% जगह ऐसी जिसमें हम इंसान हमारे खेत में जाकर के काम करें, दोनों कॉन्सेप्ट अलग, 30% खेत की जगह हम किसानों के लिए और 70% जगह पौधे के चलने के लिए। अब इसको खेत में अप्लीकेशन कैसा करेंगे, तो जैसे आप 5x6 पर केला लगाते हैं, उसी को अगर आप 70-30 फार्मिंग अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 20 से 30 गुना आपको ज्यादा मिलेगा, और सिगाटो का आएगा नहीं, आया तो तुरंत रिपेयर होगा। आपकी जो व्यवस्था है उसी में अगर इसको अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जैसे लाइन से लाइन 5 फीट है ड्रिप, पौधे से पौधा 6 फीट है, ऐसा अगर ग्राफ है, या 5.5-5.5 है तो भी, तो जो हमने ड्रिप डाली है लाइन से लाइन में ड्रिप डाली है, तो किसान क्या करता है, पूरी एक तरफ ड्रिप डालेगा या दूसरी तरफ डालेगा, भाई लेफ्ट में ड्रिप डाली तो पूरे खेत में लेफ्ट में ड्रिप ऐसा ही होगा ना, या राइट में डाली तो पूरे खेत में राइट में ड्रिप होगी। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ड्रिप उतनी है 5 फीट पर 2750 मीटर ड्रिप है, लेकिन जो दिशा में ड्रिप डली है 5 फीट पर, तो एक ड्रिप आपको डालना है लेफ्ट में, तो दूसरी ड्रिप डालना है आपको राइट में, अंदर की साइड। हाँ,
एक ड्रिप लेफ्ट में, एक ड्रिप राइट में। अब यहां पर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक ड्रिप लेफ्ट में होगी, एक ड्रिप राइट में होगी, खाली रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, आपको दिखेगा खाली और इसमें दिखेगा दोनों एक तरफ, मतलब एक लाइन में ड्रिप आ गई, एक लाइन की ड्रिप हट गई, फिर एक लाइन में ड्रिप आ गई। शुरुआत यहां से होगी, जिस दिन पौधा लगा उस दिन से। इससे होगा क्या, दूसरा काम इसमें करना है कि पहले ही दिन आपने जिस लाइन में ड्रिप को किया, पास में नहीं करना है, पौधे के ही पास रखना है, लेकिन पौधे से केवल अंदर किया। अभी इधर थी तो एक को अंदर किया, तो जहां ड्रिप डाली उसके नीचे पहले दिन से कचरा मल्चिंग करना है। पास के खेत में केला उजड़ रहा है या मक्का की फील्ड खत्म हो रही है, कहीं पर भी बायोमास कचरा या हमारे खेत का दूसरा प्लॉट फट के खत्म हो गया, तो उसके सारे केले के पत्ते ला करके यहां पर बायोमास आच्छादन पहले दिन। अभी पूरे आपके खेत में रोटावेटर करके जमीन खाली है, 5 फीट पर ड्रिप है, तो आपको पहला काम करना पड़ेगा 10 फीट पर नाली। आप अभी बराबर में जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करना है उसको। ड्रिप 5 पे है तो इस तरफ नाली होना चाहिए और इस ड्रिप के इस तरफ नाली होना चाहिए। तो नाली क्या हुई, 10 फीट पे नाली। ड्रिप पूरे खेत में 5-5 पर ही है तो खेत दिखेगा कैसे, एक नाली एक बराबर, एक नाली एक बराबर, एक नाली ऐसा दिखेगा। और जो बराबर है उस बराबर में हमें कचरा डालना है, बायोमास आच्छादन, गेहूं का भूसा नहीं डालना है, ऐसा भूसा नहीं जो चिपक जाए, ऐसा भूसा डालना है जिसमें हवा अंदर बाहर आए, ढीला भूसा, केले के पत्ते, गन्ने के पत्ते, सोयाबीन का भूसा, मक्का की कड़व, कुछ भी डाल सकते हो। डालना है ड्रिप के नीचे, अब उसके ऊपर ड्रिप, फिर पौधे का प्लांटेशन। इसमें होगा क्या कि जहां ड्रिप है, ड्रिप जब बूंद बूंद पानी गिराती है तो फैलता कैसे है, ऐसे फैलता है, ऐसा नहीं फैलता है, ड्रिप का पानी फैलता कैसे है, ऐसा बूंद बूंद जहां से गिरती है। तो आपके पौधे के अंदर ड्रिप है और बाहर नाली है, तो ये जो पानी बूंद 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 गिर रहा है तो ये दोनों तरफ ऐसा फैलेगा, तो जो नाली का पेंदा है वहां तक पानी जाता है दूसरी तरफ, और ऊपर आपने बायोमास आच्छादन करके रखा है तो कचरे की वजह से ये पानी वापसा होता है, फिर नीचे बैठता है, फिर वापसा होता है, फिर नीचे बैठता है, कचरा मल्चिंग के कारण। तो ये जो बूंद बूंद गिर रहा है यहां तो 5 फीट में पूरी नमी रहेगी क्योंकि बायोमास आच्छादन है, आप करके देखिएगा। और यहां पर नीचे दिखेगा पानी, ऊपर सूखा दिखेगा, दूसरी तरफ जहां नाली है यहां पर सूखा दिखेगा। अभी हमने पौधा लगाया, प्लांटेशन किया, ड्रिप अंदर है, तो हम साल भर तक क्या कर रहे हैं, खाद पानी दवाई जो भी दे रहे हैं इस तरफ दे रहे हैं। इस तरफ जो नाली है यहां पर हमने कभी खाद देना नहीं, कभी पानी देना नहीं, कभी फर्टिगेशन करना नहीं, और यहां पर मर्जी हो उतनी बार कल्टीवेशन करो, साल भर जितनी बार मन हो हर तीसरे दिन कल्टीवेशन करो, कहां पर, नाली में। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया, ये प्लेटफॉर्म बनेगा कैसा, थोड़ा सा कर्व आया क्योंकि लाइन से लाइन 10 फीट रहेगी, तो 1.5 फीट का कर्व और 7 फीट का बेड, बेड बनाया नहीं, बेड दिखेगा, तो ये बेड की चौड़ाई क्या हुई, 7 फीट, और नाली का सेंटर क्या बना, 10 फीट। तो ये जो नाली का टॉप है ये 3 फीट का हुआ, इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग। ये जो 3 फीट की नाली वाली जगह है हम किसानों के लिए चलने फिरने के लिए है कि किसी भी पौधे के पास जाकर के हम काम करें तो नाली में चलना है, और ड्रिप आपकी ऊपर है छत पे तो ये नमी वाली जगह है। अब आपने मजदूर को भी खेत में भेजा, कुछ बताया नहीं, यहां पर कचरा है, यहां पर ड्रिप है, यहां पर नमी है, तो कोई भी व्यक्ति नमी में पैर रखेगा क्या, पैर गंदे होंगे ना, तो वो चलेगा कहां, नाली में। बताने की जरूरत नहीं, वो दिखता है कि ये जो नाली है 30% हम किसानों के लिए चलने फिरने के लिए है। इस पौधे पर काम करना हो तो इधर से, इस पौधे पर काम करना हो तो इधर से। ये सूत्र है 70-30 फार्मिंग। और जब पौधा पहले दिन लगाया तो यहां पर जो 7 फीट का बेड है, ऐसा गादी आप इमेजिन करो माइंड में कि ये 1 फीट की हाइट और 7 फीट का चपटा बेड, तो ये गादी जब कचरा मल्चिंग डालोगे तो कितनी ढीली रहेगी। मेरा प्रश्न ये है कि आप बोलते हो कि बेड बनाना है, बेड बन जाएगा, बनाना नहीं। 10 फीट पे नाली कर दी हमने, पानी बारिश का निकाल कर खेत से बाहर करने के लिए नाली करी है,
तो चपटा बेड दिखता है, हमने बेड बनाया नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, बारिश के टाइम के समझो जुलाई में लगाया हमने प्लांटेशन किया, तो तब तक तो जमीन बिल्कुल फ्लैट है, लेवल में है, नाली वाली कुछ नहीं है। नाली बना के लगाओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फ्लैट में कैसे बनाते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। आपको खेत में 10-10 फीट पर मार्किंग करना है, चूने का निशान करना है 10 फीट पे, मेड पर 10-10 फीट पे निशान करना है, उसके ठीक सामने 10-10 फीट पर निशान करना है, ठीक है। और जो ट्रैक्टर कल्टीवेशन जो नाली बनाने वाला आता है, वो दो कान आते हैं, तो दोनों कान को निकाल दो और पीछे बीच में एक कान लगा लो सिंगल। ट्रैक्टर के पीछे एक ही कान रखना है, जो दो कान आते हैं नाली खींचने के, तो दोनों को रेजर को निकाल दिया, एक रेजर रखा बीच में, तो जो 10 फीट पर आपने निशान डाला है, रेजर एक गया, अगली बार 10 फीट पे निकल के फिर आया, फिर अगली बार 10 फीट पे निकल के फिर गया, तो ये नाली बन जाएगी। सिंगल चलाना है, सिंगल चलाना। आपके खेत में अगर 50 नाली बनना है, ज्यादा हो रहा है कुछ, कुछ लोग उठ रहे हैं, लग रहा है ज्यादा हो रहा है, पॉन्सर जा रहा है, मैं भी बहुत खींच देता हूँ लंबा लंबा, चलने दे। आपके खेत में अगर 50 नाली बनना है तो इसमें 25 नाली बनेगी, एक नाली एक बराबर, एक नाली एक बराबर, सिंपल लाइन, उसमें ड्रिप डाले। उसकी गहराई कितनी चाहिए? 8 इंच के ऊपर नीचे, क्योंकि आपको जब बारिश होगी तो इसको 3-4 बार खेड़ खाड़ करोगे तो और गहरी हो जाएगी। 8 से 10 इंच, काली मिट्टी है तो 10 इंच, नॉर्मल आपकी पीली मिट्टी है तो 8 इंच। ये इसके लिए है कि जब बूंद बूंद पानी की गिर रही है तो यहां से हवा बाहर निकलने को चाहिए, एयर कर्टन। अगर आप फ्लैट रख रहे हो तो उसमें पानी पूरे खेत में दिखेगा, ये एक सीगा टोका का आने का बहुत बड़ा रीजन है। अभी यहाँ पर आपका सीगा टोका टच हो रहा है कि आपने पूरा खेत बराबर रखा, डबल ड्रिप डाली या सिंगल ड्रिप डाली, और वो ड्रिप थोड़ी सी तने से खींचकर बीच में आ गई और ये 8-8 घंटे पानी चल रहा है, तो पूरा खेत नमी नमी हो गया। यहाँ पर एयर कर्टन नहीं है हवा को बाहर जाने के लिए, तो ये पानी ऐसा बीच में गिलावा जैसा हो जाएगा और हल्की सी काई आ जाएगी, हरे कलर की काई आ जाएगी पूरे खेत में, नीलपी क्या बोलते हैं, नील, ये पूरे खेत में दिखेगी, तो इससे सीगा टोका निश्चित आएगा। जब आपने एक ड्रिप के लेफ्ट में नाली कर दी, इस ड्रिप के राइट में नाली कर दी, तो जब इसका बूंद 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 पानी गिरेगा तो ये हवा को बाहर निकाल देगा एयर कर्टन से, तो पूरे खेत में गीला नहीं होगा, जो बेड है 7 फीट का केवल वहां पर नमी होगी। हम पत्ते काट के खेत में छोड़ते हैं, वो अलग मेरी तो बनती है, उसको निकालना चाहिए बात, वो लोग ऐसा बता रहे थे। ज्यादातर क्या है कि मैं माना कि अभी मेरा नया प्लांटेशन है, बाजू में अतुल भाई का 2 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, तो वहीं से आने का पूरा चांसेस रहता है, एकदम राइट। सीगा टोका एयरबोर फंगस है, और जो भैया भी विजिट करके आए इंडिया के बाहर भी, और आप लोग जो खेती कर रहे हो, तो कई एग्रोनॉमिस्टों ने आपको बताया होगा कि सीगा टोका हवा से फैलता है, और ये आ गया तो इसके पत्ते को काट कर खेत के बाहर फेंकना है, जलाना है, यहां तक के साइंटिस्टों ने बोला है। मैं बात कर रहा हूं कि सीगा टोका आएगा ही नहीं, एक बार आया तो वो कब आएगा, जब आपके खेतों में बारिश की झड़ी चलेगी, 4-5 दिन तक बारिश हो रही है, हवा में क्लाउडी नमी है, हवा में 90-80% नमी है, तो वो कुछ पौधों में पत्तों में दिखेगा, और जैसे ही क्लाउडी मौसम निकला, हवा में नमी वाला मौसम निकला, तो आप एक जनरल सी बाविस्टिंग ड्रिप से चलाओगे कार्बन डीजमा और सीधा टोका ठीक हो जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ, पिछले 8-10 साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। इस साल तो इतनी गर्मी भी अभी भी सीधा टोका है। हाँ, तो इसको ठीक कैसे करना है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये ग्राफ बनाना है, ये इसमें आएगा क्यों नहीं मैं वो बताता हूँ। जब हमारी ड्रिप अंदर रहती है और हमारा मॉइस्चर यहाँ पर है, इसमें कचरा मल्चिंग बहुत बड़ी भूमिका देगा, बायोमास आच्छादन चाहिए, मतलब चाहिए, आप सीगा टोका वाले पत्ते भी लाके डाल दोगे तो भी चलेगा मेरी फील्ड में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। साइंटिफिक प्रूफ है कि सीगा टोका का पत्ता खेत के बाहर करना चाहिए, अंकल बोल रहे हैं वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, और साइंटिस्ट बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, लेकिन मैं जो 70-30 की फार्मिंग की फील्ड की बात कर रहा हूं, इसमें सीगा टोका के ग्रसित पत्ते दूसरे खेत में से ला करके उस फील्ड में आच्छादन करने के लिए डाल दो,
तो भी आपके खेत में सिगाटों का नुकसान कम करेगा या नहीं करेगा। उसका रीजन है कि जब हम बायोमास आच्छादन करते हैं तो जिस मिट्टी के कोने पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है और वहां पर नमी रहती है और इस पत्ते के ऊपर ड्रिप रखना है तो बूंद 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 जब पानी गिरता है पत्ते पर तो ये पत्ता गलता है और गलता है तो लाल पानी छोड़ता है। जैसे आपके यहाँ कोई गोबर के या ढेर होंगे इसमें बारिश का पानी गिरता है तो नीचे से लाल पानी निकलता है, इसको बोलते हैं ह्यूमस। जो लाल पानी निकलता है कचरे को गलने के बाद इसको बोलते हैं ह्यूमस। तो जब बायोमास आच्छादन किया और उसके ऊपर ड्रिप डाली तो बूंद 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 रोज गिर रहा है पानी, तो ये जो पानी नीचे नमी है ये भी भाप बन के ऊपर चिपकता है रुकता है चिपकता है रुकता है। तो ये जो पानी भाप बन के उड़ करके हमारे मेन पत्ते पर जाके चिपकेगा उसकी बजाय हमें खेत में बायोमास आच्छादन करना है। इस पानी को यहां से निकलकर ऊपर पत्ते पर चिपकने नहीं देना है, इसको यहीं रोक लेना है। तो ये जो पत्ता गलेगा इससे निकलेगा ह्यूमस और ह्यूमस जिस मिट्टी में रहता है उसमें हमें बाहर से कोई बैक्टीरिया लाकर डालना नहीं है। पीएसबी केएसबी राइजोबियम एजोटोबैक्टर माइकोराजा फलाना डिमका एवं त्यों सब अपने आप आते हैं, कोई बाहर से लाकर डालना नहीं। किस मिट्टी में जिसमें कचरा गलने के बाद जो लाल पानी है वो फैला है, एक चीज। दूसरा, हमने आच्छादन किया, धूप डायरेक्ट नहीं लग रही है तो यहां बैक्टीरियल कॉलोनी पनपती है। जीव जीवस्य जीवनम की एक साइकिल है कुदरती। जो सफाई कर्मचारी है, हमने कुछ भी कच्चा माल डाला तो उसको कंपोस्ट करने के लिए प्रकृति ऑटोमेटिक अपने कर्मचारी भेजती। हमें कुछ डीकंपोस्टर फलाना ढिमका चलाने की कुछ जरूरत नहीं। हम किसानों ने समझ लिया है कि 20 रुपए की डब्बी बहुत सस्ती मिलती है, मैं बिना बायोमास आच्छादन के हर 4 दिन में मेरे खेत में डीकंपोस्ट चलाऊंगा तो मेरी फसल अच्छी आएगी। वो भ्रांति है, वो गड़बड़ है। बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है हमारे खेत में बायोमास आच्छादन, ठीक है। दूसरा, जो पानी है ये वापसा बनकर ऊपर के पत्ते पर ना जाए, यहीं रुक जाए। तो सिगाटों का ऊपर के पत्तों पर आता कब है, जंग के धब्बे दिखते हैं। जो हमने खेत में पूरे खेत को नमी से रखा, कच 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 नमी है और ये धांस जो भाप बन करके ऊपर पत्तों पर चिपकती है तो नीचे के बैक्टीरियल वायरल फंगल को उठा करके ये पत्तों पर चिपकाती है और जो पत्ते हवा से हिल करके थोड़े से क्रैक हुए हैं उनकी मांसपेशी थोड़ी सी जहां क्रैक हुई है वहां ये पानी की भाप लगती है और यहां पर फंगस डेवलप होती है। छोटा डॉट दिखता है जंग का, फिर वो फैलना चालू होता है, वो डॉट बनता जाता है, बड़ा होते जाता है। ऐसे ही होता है ना, हमने नीचे के पत्ते को काटा तो ऊपर का पत्ता जो अच्छा था उसमें हो जाएगा। जब तक ये पत्ते को नहीं काटेंगे तब तक ऊपर के पत्ते पर नहीं दिखेगा, आप नोटिस करो। और एग्रोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, जिस पत्ते पर सिगाटों का आया है इसको काट के खेत के बाहर ले जाके डालना है और जलाना है। ग्लोव्स पहनकर, अगर आप साइंटिफिक जाओगे तो मास्क पहनकर ग्लोव्स पहनकर ये पत्ते को काट के बाहर ले जाके जलाओ, जो संभव नहीं है, हम कर नहीं सकते। और जैसे ही इस पत्ते को काटोगे तो ऊपर के पत्ते पर अगले 10 दिन में सीगा टोका आएगा। तो मेरे तजुर्बे से इसको काटना गलत है। इसमें जितना आ रहा है आने दो तो अगला पत्ता सेफ है, पहली बार। और नीचे बायोमास आच्छादन करो, ड्रिप अंदर की साइड डालो। अब इसका दूसरा अच्छा परिणाम क्या होगा कि ये बाहर की जमीन ये सूखी है, ड्राई है। ये जमीन जब ड्राई है तो जो आपके खेत में मार्केट की, जो पड़ोस के खेत की हवा में नमी वाली सिगाटों का आई तो मिट्टी क्या करती है, सोखती है। जो सूखी जमीन, मैंने क्या बताया, ड्रिप आपके अंदर और बाहर की नाली सूखी, तो ये जो सूखी जमीन है जो बाहर से वापसा या जो भी व्यायाम आई है इसको वो सोख लेता है। तो ऊपर पत्तों पर सीगा टोका का कोई असर होता नहीं। एक बार आपके खेतों में प्रैक्टिकल करके देखो, अगले साल आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तीसरा, जो खेत इन्फेक्टेड है, जो सेंटर इन्फेक्टेड है, एक तो ये प्रैक्टिस करना है। इसके बाद में आपको करना है हर 28 दिन में, जैसे पौधा प्लांटेशन होता है, 1000 पौधे पर 100 ग्राम कार्बन डीजन और 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसका घोल एक साथ बनाओ और 1000 पौधों पर पौधा लगा उसी दिन ड्रेंचिंग करो। फिर हर 28 दिन में ड्रेंचिंग करना है, जब पौधा बड़ा हो जाए तो ड्रिप से चलाना है। मतलब आपके 10 महीने 11 महीने की कटिंग में आप 12 से 13 बार इसकी ड्रेंचिंग करोगे, हर 28 दिन में करना है। तो एक साल में
13 बार ड्रेंचिंग होगी 12 महीने में, 100 ग्राम कार्बनडीज, 100 ग्राम वाइसिनामेटा, इसका घोल बनाओ और 1000 पौधे पर जब पौधा बड़ा हो जाए तो ड्रिप से चलाओ। लेकिन ड्रेंचिंग करना या ड्रिप से चलाने के बाद अगले 3 दिन तक पानी बंद करना है। जो हमने ड्रिप से चलाया वो पौधा पूरा का पूरा नीचे से निचोड़ कर अपने मांस मज्जी हड्डा में भर लेना चाहिए, क्योंकि जब पानी की तान देते हो तो नीचे जो भी पड़ा है पौधा पूरी शिद्दत से उसको खींचता है। तो उस समय क्या होता है, जब किसी भी प्लांट को आप थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे तो वो पूरी उसकी एनर्जी लगाएगा रूट डेवलपमेंट में और उसको खुद को सुदृढ़ रहने में। तो नीचे से जब कार्बन डीज में और वाइसिनोमेटा को खींचकर अपने रोम रोम में भर लेगा तो खुद से वो प्रोटेक्टेड होता है और फंगल और वायरल से लड़ने की उसकी ऑटोमेशन की शक्ति बनती है। आपको कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 28 दिन में आपने ड्रेंचिंग किया और 70-30 खेती फॉलो करी तो किसी खेत में सिगाटोका आए तो मुझे कान पकड़ के लाकर दिखाना है। मैं ऐसे ही खेती करता हूं और ये आप खुद खेत में करो, रिजल्ट देखो। 5x6 में होगा क्या, जब ग्राफ टाइट रहेगा तो थोड़ा इन्फेक्शन दिखेगा आपको, लेकिन ये जो खाली जगह रहेगी, जो सूखी जगह रहेगी, ये वाप को सोख लेगी और असर आपको 5x6 में कम दिखेगा। 5x7 में झिकझेक में सिगाटोका केवल बारिश में दिखेगा, बाकी दिखेगा नहीं। यहाँ बारिश में नहीं दिखता सिगाटोका, बारिश जाने के बाद जब ठंड की शुरुआत होती है। आपके खेतों का पानी ही काई जमा रहा है तो 365 दिन कभी भी दिखेगा। ये मेन गड़बड़ी है, क्योंकि सबके पास केला लगा है, सब ज्यादा समय से केला कर रहे हैं और सबके खेतों में पानी भर भर के है। अभी मैं एक गांव में था तो उनकी 5 फीट पे सिंगल ड्रिप थी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने क्या किया, एक ड्रिप और डाल दी। अब उनके यहाँ सिगाटोका आना चालू हो गया, पत्ते ड्रॉप होना चालू हो गए, अभी 8 दिन पहले उन्होंने एक ड्रिप और डाली। ये गड़बड़ी क्या है, ये खाली जगह सूखी जगह क्यों चाहिए, कि यहां से जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, ये बहुत जरूरी है। जितना आप पौधे को पानी और भोजन दे रहे हो उतनी हवा देना भी जरूरी है जड़ों को, वरना पौधा अच्छे से चलेगा नहीं और हरा पत्ता ड्रॉप होगा ज्यादा पानी होने से। तो वो भाई साहब ने अभी मैं बोल के आया कि ड्रिप किसको पूछ के डाली, मेरे को थोड़ा फोन तो कर लगे। जब एक ड्रिप डली हुई है 5 फीट पर और पौधा लगाने से लेकर अभी निंगल आ रहा है जब तक एक ड्रिप है और अब सामने टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए दूसरी ड्रिप डाल दी 8 दिन पहले, तो पूरा खेत नमी से भरा हुआ है, मतलब जड़ों के पास हवा जाने की जगह नहीं है। तो सिगाटोका भी आएगा, करपा भी आएगा, पत्ते ड्रॉप भी होंगे, उसका कोई इलाज नहीं। जड़ों के पास पानी, भोजन और हवा, तीनों चीज एक साथ देंगे तो पौधा स्पीड से चलेगा, वरना रुकेगा, सोचेगा क्या करूं मैं। ये साइंस है। बातें बहुत लंबी बोलता हूं, लगभग बहुत ज्यादा बोल दिया हूं मैं, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। आपने बताया घास डालने का, प्लांटेशन जो बारिश के टाइम बगैर करते हैं सूखे के टाइम में, तो संभव है, तो संभव है, बारिश में दिक्कत है। जून के बाद जुलाई अगस्त में ऐसा नहीं मिलता है तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? उसके लिए क्या ऑप्शन है कि जुलाई अगस्त सितंबर में हमारी भी मजबूरी है कि बारिश बहुत होती है, मजदूर मिलेंगे नहीं और हम ये प्रैक्टिस पे नहीं जा सकते। तो जो पौधा है उसका जो पत्ता निकल के आ रहा है, जैसे हमने जुलाई में पौधा लगाया, बारिश हो रही है तो हमें कल्टीवेशन चलाने में एक 15 दिन तो चाहिए, 15 दिन में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो जो पौधा लगाया है उसके पत्ते की छांव जहां तक गिर रही है उसके बाहर कल्टीवेशन चलाओ, बारिश बारिश जुलाई अगस्त। सितंबर में नाली डाल दो 10 फीट पे, सितंबर में खेड़खाड़ बंद करो, तो सितंबर तक आपके पौधे की हाइट आ गई और सितंबर तक पौधे के पास कल्टीवेशन नहीं करना है। आप आड़ा करो, खड़ा करो, क्योंकि खरपतवार हमको निकालना जरूरी है, वो भी एक पार्ट है। तो पौधे के पास जो पत्ता आया और 12 बजे की धूप उस पत्ते की छांव जहां तक आ रही है उसके अंदर कल्टीवेशन नहीं करना है, उसके बाहर। अब उसके अंदर जो खरपतवार है उसको हाथ से निकालो और पौधे के पास ही डाल दो, वहीं पर आच्छादन कर दो, खेत के बाहर नहीं करना है, पौधे के पास ही रखना है। ऐसे दोनों साइड से कल्टीवेशन करते हैं तो जो नाली बनाया उसका प्रॉब्लम रहेगा। नाली मैं बता रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में नाली बनाओ मत, जुलाई अगस्त में प्लांटेशन करो, ड्रिप डालो, क्योंकि बारिश में सभी दूर रूट चौतरफा फैलती है। तो आपने जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक जो खेड़खाड़ करनी हो वो खेड़खाड़ करनी है पत्ते की छांव के बाहर,
दोनों तरफ से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मौसम जाने लगे, बारिश बंद होने लगे, टेम्परेचर बढ़ने लगे, उस दिन से फिर आपको ड्रिप तो पहले दिन से अंदर ही रखना है, ताकि आप जो फर्टिलिटी करोगे उसका रूट का डेवलपमेंट अंदर ही होगा। लेकिन सितंबर 15 सितंबर से आपको 10 फीट पे नाली करके फिर छोड़ देना है। वहां तक पे आप हाँ। ये लगभग मोटी मोटी बातें थी मेरी। बाकी किसान पाठशाला बी किसान रेवा से जो भी आपको समझना है, एक चैनल है किसान पाठशाला यूट्यूब, वहां पर समय बिताओ, मेरी सारी जानकारी मिलेगी। दूसरा भैया आपके क्षेत्र में है, इनको मैंने सारा डेटा दे चुके हैं। तीसरी एक बात महत्वपूर्ण रही थी जिसके लिए भैया की और हमारी चर्चा हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो हम कर रहे हैं बड़वानी मध्य प्रदेश में, जलगांव में और तेमूर में सोलापुर में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की रेसिपी हमारी ऐसी है कि हमने जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है उसके थ्रू हम बड़े व्यापारियों को लेकर के आए हैं किसानों को MSP दिलाने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदुस्तान में सबसे पहली बार बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने केले में किया है ये। आप लोग चाहो तो एक साइजेबल लैंड में हम इसमें जा सकते हैं MSP पे, क्योंकि जो भी व्यापारी आएगा उसको कम से कम 100 से 150 एकड़ चाहिए, क्योंकि बड़ा व्यापारी जो आता है वो बंगाली लेबर को लेके आता है, यहाँ लोकल की लेबर से वो माल काट करके बनेगा नहीं, बॉक्स पैकिंग होगा नहीं। तो हमारे साथ में धरती एक्सपोर्ट है और कुछ 3-4 वाइट ग्लोब है, किंग शाइन बनाना है, ये साइजेबल 365 दिन खरीदी करते हैं। तो ये बड़वानी में हमारे साथ MOU साइन करके चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, कि किसान जो बी किसान के साथ जुड़े हैं, जो रेवा का पौधा लगा रहे हैं, उनको वो 7 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में माल खरीदी करने के लिए बायबैक एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। अब इसकी रेसिपी कैसे बनी है कि मार्केट का कुछ भी रेट हो नीचे का, तो ये 7 रुपए हमको देंगे, इससे नीचे माल काटेंगे नहीं। 150 एकड़ के ऊपर कुछ किसान यहाँ इकट्ठे होंगे तो एग्रीमेंट करके आगे बढ़ेंगे, और इनका एक प्रतिनिधि यहाँ रहेगा जो हर 30 दिन में आपके खेतों में आएगा। न मेरा न भैया का कोई रोल है, मेरा इतना रोल है कि मेरा पौधा रहेगा, मेरा इतना रोल है कि आपकी तरफ से मैं एग्रीमेंट करवाऊंगा उन कंपनियों से, मैं उनकी तरफ से बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तरफ से एग्रीमेंट करूंगा। तो 7 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो देंगे, और ऊपर का रेट कि मार्केट का रेट होना क्या चाहिए, माल जिस दिन कटिंग आए तो एक आधार क्या माने, तो प्रतिदिन महाराष्ट्र में जलगांव बोर्ड से एक रेट ओपन होता है जिसको बोलते हैं बोर्ड रेट। तो आधार उन्होंने माना है कि बलराम भाई हम एक बोर्ड रेट का आधार मानते हैं, जैसे कल का बोर्ड रेट था 1225 और 10 का फर्क, आपको पता है बोर्ड रेट ओपन होता है जलगांव का पर डे बोर्ड रेट ओपन होता है, वो व्यापारियों के पास जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम बोर्ड रेट को आधार मानेंगे, जो कल का बोर्ड रेट आज शाम को 5:30 बजे आएगा कि कल किस रेट में माल कटना है, उस रेट में हम किसानों का माल बायबैक करेंगे, न किसान का रेट न व्यापारी का रेट, बोर्ड रेट जो बोलेगा उस रेट में माल खरीदेंगे। और बोर्ड रेट अगर नीचे 7 रुपए की बजाय 4 रुपए 3 रुपए भी हुआ तो भी हम 7 रुपए में खरीदेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड रेट में खरीदेंगे। तो इस तर्ज पर भी हम बायबैक एग्रीमेंट से जा सकते हैं। इसमें एक लाइन मेरी तरफ से मैंने लिखवाई है, उसमें जो बड़वानी में हमने एग्रीमेंट किया है कि बहुत सी बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि जो एक्सपोर्टर है उनका रेट रहता है कम, और डोमेस्टिक में माल नहीं मिलता तो दिल्ली चंडीगढ़ वालों का रेट रहता है ज्यादा, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, तो उस समय मेरा किसान क्या करेगा। तो हमने ये लाइन रखी है कि बोर्ड रेट आपका रेट है 13 रुपए, उदाहरण के लिए आज का आप हमसे 13 में खरीद रहे हो, लेकिन यहाँ लोकल में भरत भाई ने 14 रुपए का हमको ऑफर दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारी तरफ से 14 रुपए में आप भेज दो। किसान स्वतंत्र है, किसान कुछ बंधा हुआ नहीं, व्यापारी को हम बांध रहे हैं कि आपकी हम 365 दिन गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तो आप जहां रेवा का पौधा लगा है वहां से 7 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में माल लेकर के जाना पड़ेगा, भले 5 रुपए का हो। ये प्रोग्राम धरती एक्सपोर्ट ने अभी पिछले साल जो लॉकडाउन था तो शाहदा नंदुरबार से 6.5 से 7 रुपए में, जब 2 रुपए में माल कोई ले नहीं रहा था वहां से उन्होंने माल लिया है, इसलिए हम उनको मध्य प्रदेश में भी इन्वाइट किया कि आप आइए। और आप लोग अगर चाहें तो भैया के साथ इन विषयों पर बात कीजिए, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का केवल मुद्दा इतना है कि पौधा लेना पड़ेगा रेवा का, गाइडलाइन लेनी पड़ेगी, जो कंपनी आकर के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी उसका आदमी रहेगा, उसकी गाइडलाइन,
और माल बेचने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपको लगता हो कि एक्स आदमी 2 रुपए ज्यादा दे रहा है तो उसको दे दो, या जो कंपनी हमें गाइडलाइन दे रही है इसका सही रेट है तो इसको दो। भारत से बहुत से यहाँ पर इसमें 50 पैसा ज्यादा रहता है। अच्छा लेकिन आपने अच्छी बात निकाली है, 5 दिन पहले कामरेज मंडली में जो उनके मेन डायरेक्टर है चीतू भाई, उनके साथ और उनके साथ मेन जो आदमी थे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने मेरे बोर्ड रेट के लिए बुलाया कि हम आपकी रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं 7 रुपए मिनिमम एमएसपी प्राइस पर और आपका रेवा का पौधा लेना चाहते हैं। ये कामरेज मंडली की हकीकत है। 5 से 6 दिन पहले मैंने कामरेज मंडली में शाम को 7:30 बजे 6 से 7 बजे के बीच में मीटिंग करी है। कामरेज मंडली का रेट कैसे होता है, वो धीरे धीरे चढ़ाते हैं और धीरे धीरे उतारते हैं। आज की तारीख में मैं बात करूं तो शहादा नंदुरबार में पिछले 4 दिन की जो गाड़ियां बनी थी वो 14 रुपए के रेट से बनी थी, जो धरती एक्सपोर्ट है उनकी 14 रुपए 14.25 रुपए 14.5 रुपए और बोर्ड रेट निकल रहा था 1300 ऊपर नीचे। लेकिन मार्केट की जो स्थिति है, अगर आपके यही लोकल व्यापारी आपको 14-15 दे रहा है तो वो एक्सपोर्टर को भी तो देखना पड़ेगा ना कि 14-15 दूं या मैं बोर्ड रेट की बात करूं, जरूरत ही नहीं है उसकी बात करने की। अगर हमारे पास ग्राउंड में रेट है तो उसको देना ही नहीं, ये बात तो मैं खुद ही बोल रहा हूं, पर ग्राउंड में रेट नहीं है तो हमें बोर्ड रेट में दिक्कत क्या है, कॉन्सेप्ट ही नहीं ना हमें चुप होने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों को अगर इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना है तो आप सब किसान मिल करके 150 एकड़ के किसान मिल करके एक लाइने बनाओ कि क्या क्या शर्त तो होनी चाहिए, उसको हम पास करवाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बात करता हूँ किसानों की तरफ से, मैं बात व्यापारी तरफ से करता नहीं करता। जैसे कि हम लोगों ने प्लांट लगाया बोला कि आपने बोला पहले दिन से ड्रिंकिंग आफ्टर द 28 डेज इनका जो मैंने ट्रीटमेंट का इन द सेंस हुआ कि पैसा कितना लगेगा माल पकाने में और फ्रूट केयर में क्या काम करेंगे, क्योंकि फ्रूट केयर बहुत मायने रखता है। तो धरती एक्सपोर्ट को बीआई की जरूरत नहीं, जो सबसे बड़ी टेंशन है हमको बर्ड इंजेक्शन लगाने में ज्यादा लेबर लगती है और रोज ढूंढना पड़ता है कि कहां पर इंजेक्शन लगाए। तो पहली बात, धरती एक्सपोर्ट को बीआई की जरूरत नहीं है। हाँ, कमल निकलता है उस समय जब पत्ता हटता है उसी समय वो स्प्रे करवाते हैं, फ्रूट केयर तो करवाएंगे तो फ्रूट केयर के 4 से 5 स्प्रे की रेसिपी देंगे, बीआई की जरूरत नहीं। दूसरा, उनका जो फर्टिगेशन का शेड्यूल है, खर्चा है 2.5 से 3 रुपए का है, उनका कहना है 75 रुपए पौधे का खर्चा, लेकिन मेरा मानना है 90,000 एकड़ का खर्चा, 90,000 एकड़ का खर्चा जो मैंने रेसिपी उनकी ऑब्जर्व करी है, कुछ हमारे खेतों में फॉलो हो रही है, और 30 टन का उत्पादन बॉटम रेट उत्पादन, ज्यादा आएगा वो हमारी किस्मत है कि 35 टन 40 टन 45 टन आया, जो हमारी मिट्टी का भी सपोर्ट किया, पीएच लेवल भी ठीक हो तो ज्यादा आएगा, लेकिन खर्चा ज्यादा 90,000 एकड़ का खर्चा और 30 टन का उत्पादन, मतलब 3 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा। इसी मापदंड पर हमने 7 रुपए को सिलेक्ट किया है कि कम से कम किसान ने जितना लगाया उतना उसको रिपीट आने को चाहिए, कि 3 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट और 7 रुपए केजी बिक्री की रेट, उसके बाद में जो मार्केट अप होगा वो बात अलग है, वो बोनस है। इसमें आपका फ्रूट केयर भी आ गया, फर्टिगेशन भी आ गया, बंच कवर भी आ गया, बंच इंजेक्शन करवाते नहीं है, तो जनरल रेसिपी में मुझे लगता है कि इतना तो किसानों का खर्चा आता भी है। हार्वेस्टिंग पूरा वो लेबर लेके आएंगे, आपसे पौधा माल उठाने का कोई पैसा नहीं, यहाँ पर जैसे आपके यहाँ जो माल उठा करके बाहर रखते हैं वो किसान का पैसा है, तो ये जो बायर आएंगे ये माल खुद के ही वो लेबर आएगी खेत से बाहर करेगी, अगर उनकी लेबर नहीं है केवल काटने वाले और जमाने वाले हैं तो आपसे लेबर मंगेंगे लेकिन पैसा वो पेट करेंगे, माल बाहर निकालने का कोई पैसा लेता नहीं। लेकिन एक गड़बड़ी है गुजरात में मैंने देखा है,
कि सुबह 3-4 बजे से लेकर 7 बजे तक वो माल निकाल के 8 बजे बाहर रख देते हैं, तो ऐसा करना नहीं है, वो माल में दाग लगता है। इनकी खुद लेबर आएगी, खेत में जाएगी, उनका तरीका है माल काट कर निकाल के लाना, पंजे से वो फूल साफ करना, उसको दो टब में धोना, बॉक्स पैकिंग करना, वो सब वो करेंगे। जैसे हमारा निकला बाहर निकलता है तो कुछ किसान से फालतू मेहनत नहीं करवाते, बी आई नहीं लगवाना है, फ्लावरिंग को डीप फ्लावरिंग नहीं करना है, जब माल काट करके भरेंगे उस समय उनके दो आदमी डीप फ्लावरिंग कर देंगे, स्प्रे करवा दे वो किसान से करवाते हैं, तो आपको ही करना है। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने इस पे निजी तौर से मैंने प्रैक्टिस किया, डीप फ्लावरिंग इजी गोई, और इनकी लाइट और पीले का में जो कोई भी क्रेसिस जो आते हैं वो नहीं आते। वो आपकी बात सही है, लेकिन डीप फ्लावरिंग और बर्ड इंजेक्शन से बहुत से किसान पूरा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे आउट हो जाते हैं, किसी के यहाँ शादी पे आ जाएगा, किसी को कहीं जाना पड़ेगा, वो टाइम पे मैच नहीं होगा और वो उस नॉर्म से बाहर हो जाएगा। दूसरा, बर्ड इंजेक्शन और डीप फ्लावरिंग चाहिए यूरोपियन कंट्री को, और ये जो बायर है ये पूरा का पूरा माल देते हैं गल्फ कंट्री को और डोमेस्टिक में, इंडिया का मैक्सिमम माल जाता है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, गल्फ कंट्री में जाता है, तो ये जब माल निकलता है उस समय भी डीप फ्लावरिंग करी। इनको चाहिए क्या, इनको एक तो चाहिए लेंथ, दूसरा चाहिए जीरो चिलिंग, चिलिंग नहीं आना चाहिए, ये दो चीज की इनकी रिक्वायरमेंट है। तो आपके यहाँ जो प्लांटेशन होता है जुलाई और अगस्त में, तो चिलिंग आना ही नहीं है। तो कितने मिनिमम, मिनिमम कितना एकड़ की जरूरत है, मानो कि 2-3 काम इकट्ठा हो गए, मानो कि 1.5 एक लगभग 150 एकड़ तक हमें जाना पड़ेगा। अभी कराटा है, कराटा में 150 एकड़ एक साथ में नहीं हो सकता है, नहीं आई साइड के गांव ले सकते हैं। हां हां, तीन पैकिंग हाउस तैयार है, ले सकते हैं, बारिश में जो कटिंग आएगी तो उसमें पैकिंग चाहिए, उनका मार्जिन बढ़ा दिया, वो काम से लेने में ये बात तो बावली का भी ये लोगों तो परमिशन नहीं मांगते, ऐसा नहीं रखे कोई बावली।